बट अगले दिन जो था हम लोग इलेक्शन रिजल्ट के लिए, डोनाल्ड ट्रम्प तो जीता, मतलब उल्टा, मतलब कि क्लिंटन हारे जो इलेक्शन का रिजल्ट का ऑपोजिट था, बट वो बड़ा था ही नहीं। अगले दिन मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, मार्केट जो बड़ा गैप डाउन खुला, माय गॉड जो था, एंड नवंबर जो की मतलब बात मैंने है। शेयर करे थे, सीधा 10-10, 12-12% डाउन खुले जो था, सीधा की सीधा। तो वो एक याद रहेगा, बड़ा मिस्टेक था। इवेंचुअली आई हेल्ड इट फॉर 5-6 months, बट फिर मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट किया, ओके, बट जो था, बट इट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक। यहाँ क्या होता है ना, पर कैपिटल तो उड़ी ना। उड़ी इन द सेंस, मतलब हाँ ड्रॉडाउन सा है, मतलब मेरा मैक्सिमम जो एक सबसे बड़ा लॉस था 5-10% का था, एक टेन परसेंट का इंफोसिस ट्रेड पे था, बट वर यू मतलब मैरिड दिस टाइम? नहीं, अभी भी मैरिड नहीं हो। अभी भी मैरिड नहीं? हाँ ओके, आई डिडंट नो दैट। हाँ सो बट एक एक बात बताना मुझे, ठीक है? कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मैरिड है, ठीक है, एंड हाँ हमारी एक अलग साइकोलॉजी रहती है, पता है ना, कि जिस टाइम पे लॉस होगा तो हाँ आई थिंक दिमाग खराब होता है उस टाइम पे, है ना? राइट 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 नाउ, वी आर लाफिंग अबाउट इट कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था, ठीक है? चाहे 3% हाँ का था, चाहे 5% का होता, व्हेन यू हाँ मेड योर हाँ फर्स्ट 3% लॉस, गैप डाउन हुआ था उस टाइम पे, साइकोलॉजी क्या थी फिर उस टाइम पे? इन्फी वाला भी कुछ कांड हुआ था ना, हाँ वो ट्रेड मेरा काफी पॉपुलर है। सो वो दैट मैंने वाज अ भी टाइम, मतलब मैं देखा था हेल्थ उसको। से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था और फैमिली के भी थोड़े कमिटमेंट्स थे। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे वी हैव विद अस आदित्य सिंघानिया। ही इज नोन एज सिंपल ट्रेडर ऑन ट्विटर। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, वी हैव मैनेज टू ब्रिंग हिम ऑन बोर्ड टू शेयर हिज जर्नी विद यू। ही इज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ही हैज वर्क विद JPMorgan चेज। इन हिज फर्म ही मैनेजेस 25+ फैमिलीज विद 25+ करोड़ एसेट्स। ही मैनेजेस हिज ओन फंड। प्रीवियसली ही वॉज एन इन्वेस्टर, बट नाउ ही हैज टर्न अ फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर। लेट्स हियर इट डायरेक्टली फ्रॉम आदित्य। सो गाइज, हियर वी आर विद आदित्य। वेलकम आदित्य, हाउ आर यू? हाय रोहित भाई, आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू? सो टुडे वी आर गो आई एम गुड। टुडे वी आर गोइंग टू हैव अवर थर्ड एपिसोड ऑफ ट्रेडर्स अनअब्रिज्ड, जहां पे हम अनफिल्टर्ड अनकट बातें करते हैं अपने ट्रेडर्स के साथ, टू अनरेवल देम हाउ दे आर इन द रियल लाइफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड इन द ट्रेडिंग इटसेल्फ? आई हर्ड दैट यू स्टार्टेड फ्रॉम पोकर इटसेल्फ इन 2009। हाँ सो मतलब ट्रेडिंग, मतलब इट बीन जस्ट 3 years, राइट? बट उसका फाउंडेशन जो था ना बहुत पहले हुआ था, मतलब एस मतलब मैंने जब स्कूल अपना कंप्लीट किया था उसके बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग टेक्सास होल्डम पोकर, राइट? सो फेयर अमाउंट ऑफ टाइम आई यूज टू स्पेंड, मतलब 7-8 hours आई यूज टू ग्राइंड। मैं भी ग्राइंड बोलूंगा क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग वही करते, राइट? तभी तो मजे के लिए करते थे, बट इट वाज लाइक द फाउंडेशन, राइट? पोकर एंड ट्रेडिंग के रूल्स काफी सिमिलर है, मतलब इफ यू सी, इफ यू आर प्लेइंग, कैसे मतलब प्लेयर्स को एनालाइज करना है, वही हम लोग यहाँ पे जैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं, राइट? इट कभी वॉज इन टू कभी यू थाउजेंड नो नाइन कि यू ना आर राइट। हाँ इट वॉज इन 2009 ना। हाँ 2009 के बाद जो था, राइट? एक मिनट, दिस इज दैट टाइम ना जहां पे सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता था यार। यू वर प्लेइंग इट ऑन द कंप्यूटर इटसेल्फ? I was playing on computer itself, so I started with ओके Zynga Poker online. फिर online ओके sites भी थी and I used to play with friends and then थोड़े tournaments वो सब भी I used to play जो ओके था poker के छोटे मोटे, right? I was very young and काफी जगह तो I was because of age restriction मतलब allowed भी नहीं था वो time पे, but yeah that's how it was. But मुझे कैसा था कि I क्योंकि used to play online, yeah. क्योंकि मुझे याद है हम लोग उस टाइम पे काउंटर स्ट्राइक और नीड फॉर स्पीड जो है वो लैन के ऊपर खेलते होते थे। एग्जैक्टली, इनफैक्ट ना इफ यू टेल मी कि वहीं पे इसका चस्का थोड़ा बड़ा जो था, क्योंकि देर वॉज अ टाइम मतलब कॉलेजेस के पास जो साइबर कैफे होते हैं वहां पे काउंटर स्ट्राइक चलता था, डोटा चलता था एंड ये पोकर खेलना चलता था, ये 3 चीज वर द प्राइम हॉबी। मैं आई लिव्ड इन अ हॉस्टल, ठीक है? आई लिव्ड इन संगरूर, ठीक है? हाँ हमारा जो हॉस्टल था वहां पे, उस हॉस्टल के अंदर 400-250 बच्चा होता था, ठीक है? और पूरा जो हॉस्टल का विंग होता था दैट यूज्ड टू बी ऑन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? हाँ 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 एंड शाम के टाइम पे यू वोंट बिलीव, एक एक फ्लोर, एक एक ब्लॉक, सारा एक लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर बैठ के काउंटर स्ट्राइक पे लगा होता था, ठीक है? हाँ पचास हाँ पचास 60-70 बंदों में, दैट वॉज द क्रेज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एट दैट टाइम, ठीक है? सो राइट, दैट इज ट्रू, आप मतलब ये वाली इतना गेम, ज्यादा है इनका। आप पोकर खेल रहे थे, हम लोग उस टाइम पे एज ऑफ एम्पायर्स वगैरह देखते होते थे। सो वो टाइम पे देर वर टू थिंग्स, मतलब सो मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोग वो क्लैन बनाते थे, 5-5 जन का होता था, और फिर वो सर्टन ऑनलाइन साइट्स पे भी यू कैन प्ले GG, आई थिंक वो सब ऐसे काफी सारे चीजें होते थे जिससे यू कैन कनेक्ट एंड प्ले विद ऑनलाइन प्लेयर्स आल्सो। इट वाज अ डिफरेंट टाइम एंड
वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ ऑनेस्टली. बट या तो वही पार्ट था. देन वो टाइम पे आई यूज्ड टू प्ले वोकर आल्सो. सो वहां पे धीरे धीरे करके वो एक गेम में एक्साइटमेंट था, राइट? सो आई प्लेड क्वाइट अ बिट. वहां से काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसा भी कमाया था, और कॉलेज गोअर के लिए तो बहुत ही ज्यादा था कंपेरेटिवली पैसे जो थे. एंड सपने इवेंचुअली दिखने वो क्या शुरू हो हुआ, जाते हैं, हाँ सपने दिखने शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली. और हम लोग भी कैसे एक्सेल में प्रेडिक्ट करने लगते हैं, अगर ये स्केल से हम ग्रो करते रहे तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, एग्जैक्टली, ऐसा सब चीज है, राइट? ऐसी एक्सेल शीट्स तो बट मैंने भी बहुत बनाई हुई है। राइट 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 बट फिर लाइफ मतलब काइंड ऑफ किक्स इन, राइट? एंड मतलब फिर क्या होता है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज. एंड पापा ने मतलब एक चीज मेरे को बोली थी, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी, बेटा तेरा इतना दिमाग चलता है तो तू सही जगह लगा ना, मतलब यहाँ पे क्यों कर रहा है करके. एंड दैट वॉज अ डिसाइडिंग मतलब मोमेंट. एंड मैं बोला अभी थोड़ा अच्छा बच्चा बनूंगा, एंड मतलब थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे आई विल बी फोकसिंग मच मोर, एंड वैसा जो था. एंड वहां पे मतलब इट वॉज टर्निंग पॉइंट. एंड दैट टाइम आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, एंड आई वॉज श्योर कि मतलब ये चीज मुझे नहीं करनी. मतलब मेरे घर पे ऐसा नहीं था कि साइंस ले, मैंने जबरदस्ती लिया था. एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा बोला था कि साइंस इंजीनियर बनना चाहिए, एंड आई रियलाइज कि ये मुझसे तो नहीं होगा. एंड दैट टाइम आई स्विच टू कॉमर्स एंड 11th 12th के बाद. एंड देन मतलब मेरा BMS आई जस्ट ग्रेजुएटेड, एंड देन मतलब मेरा कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे करके, राइट? सो सो इन कॉर्पोरेट लाइफ व्हेन यू से, आई थिंक यू स्टार्टेड विद जेपी मॉर्गन चेस डायरेक्टली, राइट और राइट राइट ओके, सो या व्हाट सो वाज द दैट वाज माय ऑयल फर्स्ट डील? जॉब. सो मैं वहां पे कंसल्टेंट था, हेज फंड्स वो सब के सेटअप जो करने होते थे, और काफी सब एंटिटीज होते हैं, राइट? सो मिडल ऑफिस बैक ऑफिस वर्क होता है. सी इन अ बिग कंपनी वी आर लाइक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट? जहाँ पे यू माइट बी इंट्रोड्यूस टू लॉट ऑफ एक्सपोजर, बट वो बहुत लिमिटेड रहने वाला है. बहुत बड़े मशीन का हम लोग एक छोटा सा स्पेयर पार्ट होते हैं, राइट? बट दीज कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन चेस के अंदर जब आप लोग जाते हो एंड वेन यू से कि वो हेज फंड मैनेजर थे वहां पे, तो वो एग्जैक्टली फ्रेशर्स से करवाते क्या है वहां पे? वो मतलब इज सो इट ये देखिए, समथिंग रिलेटेड टू मार्केट्स दैट यू गेट एक्सपोजर टू ट्रेडिंग नहीं 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 एटसेट्रा? नहीं नहीं इंडिया में मेजरली जो रोल्स होते हैं ना, मिडल ऑफिस से बैक ऑफिस रोल्स रहते हैं, मेजोरिटी बता रहा हूँ, राइट? अगर आपको टॉप टायर जो मार्केट से रिलेटेड जाना भी है, तो दे विल ऑलवेज पिक द टॉप प्रीमियम प्रीमियम क्राउड. मतलब जो होता है ना, IIM से बंदा है, या तो बहुत ही मतलब टॉप टायर कॉलेज से है, देन CFA है, मतलब साथ में CR, मतलब FRM है, मतलब वैसे टाइप के जो प्रोफाइल्स होते हैं, राइट? बट वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो हार्डकोर होती है, वो वहां पे होती है. वो डायरेक्टली फ्रेश टायर्स को नहीं होता. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. इंडिया का वो मार्केट उनका काफी लिमिटेड होता है. यहाँ पे बहुत कम जॉब्स है वैसे टाइप के, आप देखोगे तो 1% भी नहीं होता मेरे हिसाब से इंडिया में. वो ज्यादातर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा होती है. यहाँ पे जो है मतलब जो सस्ता पड़ता है वो ज्यादा आउटसोर्स यहाँ पे करते हैं, आई वुड से. So you enjoyed that time? कॉर्पोरेट लाइफ वॉज अमेजिंग. मतलब मेरी टीम बहुत अच्छी थी. सो आई यूज टू मतलब सिट विद मतलब अकाउंट्स एंड टैक्स टीम ऑल्सो. तो तीन टीम्स थी एक फ्लोर पे, बट काइंड ऑफ वो बहुत ही अच्छे, काफी क्लोज थे सब जन जो थे. वर्क कल्चर बहुत अच्छा था. और वहां पे कैसे कॉर्पोरेट कैसे चलते हैं उसका एक आइडिया लगता है, राइट? कि कैसे इंस्टीट्यूशन चलती है, कैसा होता है, राइट? तो दैट वाज द गुड पार्ट. एंड वहां के दोस्त आज तक मतलब बहुत अच्छे हैं, एंड आज तो काफी जन मेरे मतलब मेरे क्लाइंट्स भी हैं वहां से. तो दैट्स अ गुड पार्ट, राइट? सो या मैंने अपनी लाइफ में ना हॉस्टल्स बहुत चेंज किए हुए हैं, ठीक है, बिकॉज माई हाँ डैड वॉज इन गवर्नमेंट जॉब, तो उनकी ट्रांसफर होती रहती थी, ठीक है। राइट सो फॉर मी इट वॉज नेवर लाइक कि मुझे एक ही स्कूल में रहना है, ठीक है। व्हाट आई हैव राइट अंडरस्टूड इज कि आपकी फर्स्ट क्लास, ठीक है, आपका फर्स्ट कॉलेज का क्लास, ठीक है, आपकी फर्स्ट जॉब, यहाँ पे जो आपके इनिशियल फ्रेंड्स बनते हैं ना, दे सम हाउ टेंड टू बी द लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू. है ना। मतलब मेरे कॉलेज सो के बट फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, अभी जो फर्स्ट हाँ, जॉब के फ्रेंड्स आर सो क्लोज, मतलब मुझसे मजा के फ्रेंड. बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं 10th करके 7 ईयर्स के डिग्री कोर्स के लिए गया था, मतलब उसके अंदर प्लस टू इक्विवेलेंट कोर्स भी था, डिप्लोमा भी था, डिग्री भी थी, ठीक है। द ओनली पर्सन दैट स्टेड फ्रेंड विद मी फॉर दो 7 ईयर्स एंड स्टिल इज द वन जिसके साथ मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में जाके सबसे पहले बैठा था वहां पे, सो दैट थिंग हिट मी। और वही सेम चीज मेरे साथ एमबीए के अंदर हुई, ठीक है। ओके, बट देन व्हेन यू वर वर्किंग इन जेपी मॉर्गन चेस, ठीक है, हाउ डिड इट ट्रांसफर्ड इनटू कि आप फिर ट्रेडिंग के अंदर आ गए उसके बाद वहां से?
हाँ सो वहां पे आई वर्क एंड दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एमबीए जो था एंड उस पे भी क्या होता है कि काफी पीपल वर लाइक कि वो कम फॉर्म में इफ यू आर नॉट लर्निंग दैट मच तो फिर क्यों मतलब स्टिक किए. तो कैसा होता है एमबीए के लिए इंटरव्यूज होते हैं एवरीथिंग राइट. तो फिर सबने बोला सीवी में अच्छा लगेगा तो मतलब दैट इज वन गुड ऑप्शन टू स्टे. बट वो टाइम पे आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पीएमएस फॉर्म इक्विटी रिसर्च में दैट वॉज अ हार्ड कोर जॉब जो था राइट. वो टाइम पे सी दैट पीरियड आई वॉज लर्निंग वेरी मच अबाउट इन्वेस्टिंग कैसे होता है सफल निवेशक ये सब ऐसे बहुत अच्छे ब्लॉग्स थे जहां से मतलब यू कुड लर्न क्वाइट अच्छी तरह से जो थे बहुत सारे एनालिसिस के जैसे डॉक्टर विजय मलिक है ये सब क्या आई यूज्ड टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट. वहां से क्या हुआ कि व्हेन आई वेंट टू सेकंड जॉब जो था वहां पे मेरा एक्चुअल करियर स्टार्ट हुआ. वहां पे एक्चुअल रिसर्च कैसे होती है हार्डकोर रिसर्च कैसे होती है इंडियन इक्विटी और कितनी मेहनत जाती है कंपनी को स्टडी करने में वहां पे जो था फाउंडेशन वहां. तो वहां पे इक्विटी रिसर्च में आई वॉज देयर. उसके बाद जो था आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी जो था फाइनेंशियल प्लानिंग क्योंकि मेरे को पर्सनल फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट था एंड ट्रेडिंग काफी लेट स्टार्ट हुआ मेरा जस्ट टू क्यूरियस, थाउजेंड ट्वेंटी जस्ट क्यूरियस, इनसाइड दीज ट्रेडिंग फर्म्स जो रिसर्च वगैरह करती हैं, ठीक है, एंड देन दे हाँ प्रोवाइड देयर रिसर्च टू द यूजर्स, क्योंकि हमारे राइट काफी व्यूअर्स हैं वो ऐसी रिसर्च के ऊपर प्रायोरिटाइज भी करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे राइट अपनी राइट राइट इन्वेस्टमेंट. राइट राइट एग्जैक्टली इनकी वर्किंग होती कैसे है, मतलब व्हाट डिड यू एग्जैक्टली डू देयर, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च वाज इट? तो ये जो था मैं फॉर्म में था वहां पे वो रिसर्च सेल नहीं करते थे वो रिसर्च खुद करते थे और खुद इन्वेस्ट करते थे पैसा. सो दिस वाज अ सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस फॉर्म और वो टाइम पे मुश्किल से 200 थे इंडिया में अभी 300-400 हो गए होंगे आई एम नॉट श्योर जैसे जो है राइट. जैसा मार्सेलस करके सबसे बड़ा आई थिंक पीएमएस में काफी पॉपुलर नाम है राइट. तो सेबी रजिस्टर्ड वाले बहुत कम थे. तो नरीमन पॉइंट में ऑफिस था एंड आई वॉज वर्किंग देयर. सो वो जो था रिसर्च करके खुद इन्वेस्ट करते थे तो क्योंकि वहां पे सेबी का मिनिमम कैटेगरी जो था 25 लाख था फिर वो बाद में 50 लाख आई थिंक हो गया यस, था जो 50 लाख था हो वहां गया पे था वो मिनिमम बात. इन्वेस्टमेंट. हाँ तो वही पीरियड पे सो वो जो था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बट काफी जन जो रिसर्च सेबी ऑथराइज जो रहते हैं वो लोग एनालिस्ट रहते हैं और ये देखो बड़े से बड़ी एडवाइजरी रहे वो लोग 10 जन के और रिसर्च एडवाइजरी सब्सक्राइब करके रखते हैं राइट. इवेंचुअली दे वांट टू मेक मनी फॉर द क्लाइंट जो होता है या तो फिर एडवाइस प्रोवाइड करनी होती है. वो एक रिसर्च फॉर्म भी होती है वो लोग भी बहुत सारे रिसर्च फॉर्म से डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है या तो दे सेल सर्विसेज या तो फिर दे माइट बी मैनेजिंग मनी फॉर द क्लाइंट राइट. उसके अंदर एक पार्ट जो आता है बट 99% जो इंडिया के अंदर कैटेगरी वो अनऑथराइज जगह पे है राइट. वो एडवाइजरी दे रहे हैं मे बी टेलीग्राम के थ्रू या काफी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू राइट. काफी अनऑथराइज वाले 99% से भी ज्यादा है. ऑथराइज वाले बहुत कम है एंड जो जेन्युइन है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली राइट. अदरवाइज मोस्ट पीपल को आप देखो कि डीमैट अकाउंट खोला हो हमारे अंदर और फिर हम आपको फ्री में रिसर्च देंगे या वो मॉडल आई होता थिंक है. उसके अंदर ना कहीं पे प्रॉब्लम कंप्लायंस की बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है. फॉर हाँ हाँ एग्जांपल, एक टाइम था व्हेन आई वाज वेरी न्यू टू द मार्केट एंड आई वांटेड टू सर्च फॉर कि मैं खुद अपना पीएमएस किस तरीके से ले सकता हूँ उस टाइम पे, ठीक है. एग्जैक्टली एंड एंट्री लेवल के ऊपर देयर वर सो मच हर्डल्स. इफ आई रिमेम्बर, आप 50 लाख का क्लाइंट उससे कम का ले नहीं सकते, ठीक है. राइट आपकी 3 साल की पहले रजिस्ट्रेशन होगी, दैट विल बी 10 लाख रुपीज, दैट आई राइट. थिंक इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है. पीएमएस लाइसेंस आने के लिए भी साल भर लग जाता है मिनिमम जो है हाँ, तो आपके पहले यहाँ पे. वो 10 लाख की फीस है, दैट इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है. उसके बाद राइट 3 साल के बाद रिन्यू, नेटवर्क मैं रिक्वायरमेंट्स बता रहा है हूँ, अभी मैं परमानेंट. बता रहा हूँ, उसके बाद मतलब 3 साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा 5 लाख रुपीज के साथ, हाँ एंड दैट इज ऑल्सो नॉन रिफंडेबल, ठीक है. प्लस राइट उसके बाद आपकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए, ठीक हाँ 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 है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आप सिर्फ इक्विटी के अंदर बाइंग कर सकते हो, यू कैनॉट डू इट इन टू FNO. नहीं कर सकते बिल्कुल तो बंदा बोलता है कि यार मैं किस चीज के लिए एफर्ट मार रहा हूं बैठ के. एग्जैक्टली वही पॉइंट है. सो कैसा है कि पीएमएस इज जस्ट द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इनफैक्ट लोअर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ म्यूचुअल फंड. यहाँ पे तो कैपिटल म्यूचुअल गेन्स फंड, भी या शॉर्ट टर्म में लग या रहा है मतलब और फीस भी क्लाइंट सेट ऑफ नहीं कर सकता है मतलब काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है जो था. पीएमएस का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है और एआईएफ करके जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एफएनओ भी है वहां पे भी आप डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं बट आपको लेवरेज बहुत ही कम है ना के बराबर है राइट. सो वो स्ट्रक्चर जो है ना इंडिया में बहुत पुअर है ऑनेस्टली. और यूएस के अंदर कोई पर्सन जाएगा इतना कंप्लायंस ही कैन सेटअप हिज हेज फंड लीगली वेरी फ्रिक्वेंटली बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है राइट. एंड वो चीज इंडिया में नहीं है. आई एम नॉट श्योर कि कब होगी बट होना चाहिए सर्टन रेगुलेशंस की इंडिया में कर पाएगी भी चीज है जो है.
चलो एनीवेज फिर आप उसके तो बाद ट्राई क्या हुआ? करो कि सिंगल पीएमएस बहुत एनकरेज होते हो और अच्छे जन भी कर नहीं पाते जो है, दैट इज या दैट। दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम. सो एनीवेज फिर उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? सो मतलब मैंने जॉब अपना कंप्लीट किया, राइट? उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म इन अराउंड 2018, एंड वहां पे आई वाज केप्ट ऑन लर्निंग इन्वेस्टिंग, क्योंकि मेरे को इन्वेस्टिंग बहुत पसंद थी, राइट? द होल आइडिया अबाउट इन्वेस्टिंग वाज पहले तो कि आई कैन बिकम अ बिजनेस ओनर, एंड उसके लिए मेरे को बहुत पैसे नहीं डालने। आज मेरे को स्टील की फैक्ट्री डालनी हो या मेरे को कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाना हो, राइट? उसको मतलब मेरे को कोई भी बिजनेस स्टडी करता तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे उसमें हिस्सा होना चाहिए था, राइट? और उसको खुद तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, राइट? ऑब्वियसली कितनी चीजें करेंगे, बट द होल आइडिया वॉज कि आई कैन बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, पार्शियल ओनर ऑफ द कंपनी जस्ट बाय इन्वेस्टिंग, एंड उससे रिवॉर्ड मिल सकता है, राइट? तो दैट वॉज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मैंने बोला यार ये तो करना ही है लाइफ लॉन्ग, दैट इज सर्टन, एंड दैट केप्ट ऑन गोइंग। देन 2020 में क्या हुआ कि यू नो कि कोरोना का क्रैश आया था, राइट? एंड वो टाइम पे आई वाज ऑलमोस्ट फुल्ली इन्वेस्टेड जो था वो टाइम पे आई हैड टू टेक अ कॉल, जो भी मतलब मैंने रिसर्च की थी, आई थिंक 2016 का। आपको मैं एक बड़ा मिस्टेक मेरा बताता हूँ जो हुआ था मेरे साथ में, जहाँ पे व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर दिस फर्म, उसके बाद जो था मैं डेटा स्टडी कर रहा था और हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इलेक्शंस कौन जीत, 2016 was the time when राइट? elections were नवंबर going एट, on. राइट, नवंबर एट आई थिंक, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग द डेट इज नवंबर एट। एंड वो टाइम पे ये था कि अगले दिन पे डोनाल्ड ट्रम्प एंड ये क्लिंटन का, आई थिंक हिलरी क्लिंटन का मतलब इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले थे, एंड आई वाज लाइक उसके पहले दिन पे हमने पूरा स्टडी किया था कि क्या चीज हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है, एंड हम लोग कंक्लूजन पाए थे कि देर आर हाई चांसेस कि डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन हारेगा और क्लिंटन जीतेगी, ठीक है? और नेट सिल्वर आई थिंक करके बहुत बहुत ही पॉपुलर स्टेटिस्टिशियन थे, उनकी वेबसाइट वो सब भी थी, और वो भी मतलब ये था कि मतलब क्लिंटन जीतने वाली है, डोनाल्ड ट्रम्प हारेगा, एंड ऑल, एंड ही वाज द गाय हु हैड प्रेडिक्टेड ऑलमोस्ट एवरी सीट इन, मतलब जो था ना इलेक्शंस के टाइम पे, एंड ही वाज राइट इन पास्ट, वैसा सब करके, राइट? सो दिस वाज द थिंग। एंड वो टाइम पे आई हैड टेकन एक बहुत अच्छी कंपनी, मेरे को लग रही थी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे, तो मैंने अपने ब्रदर को बोला था कि उसके 5,000 के शेयर खरीद ले। अब हुआ क्या, वो ओके लोकल ब्रोकर था, उन्होंने 5,000 शेयर के जगह मेरे भाई ने गलती से 5,000 शेयर बोल दिए तो 5,000 शेयर बोल दिए, मतलब गलती से 5,000 रुपए के शेयर लेने थे एंड 5,000 शेयर खरीद लिए। तो एंड वहां पे कैसा मैकेनिज्म था कि मार्जिन यू डोंट हैव टू कीप, मतलब 2 दिन बाद, एंड मतलब पापा के रिलेशन है उनके साथ में पुराना और होल्डिंग है वैसा, तो फिर वो बोलते कि ठीक है, तो वो एक मिस्टेक हो गया, और खरीदते के साथ शेयर थोड़े गिर गए थे। वैल्यूएशन कितनी बनी थी 5,000 शेयर्स की? तो तभी ना, अभी तो स्प्लिट व्लिट हो गया, पर तभी के हिसाब से जो था अराउंड 65-68 के रेंज में, मतलब हैड परचेज, और करीबन 3.5 लाख के ऊपर के शेयर हो गए थे वो जो था, और मतलब वो मेरी साल भर की एक इनकम थी। एक इंसिडेंट मैं बताऊं. हाँ मैं ये ना सारी की सारी जो इंट्राडे टेस्टिंग होती है ना, नए नए मॉडल्स के ऊपर, मेथड्स के ऊपर, तो हाँ मैं एक एल्गोरिदम्स मैं करता रहता हूँ. ठीक है, राइट राइट लास्ट ईयर की बात है, मैं एक मेथड ट्राई कर रहा था. मुझे था कि इसको 1 महीना वर्क करके देखते हैं, मैनुअली ट्रेड करके देखते हैं विद सिस्टमैटिक एंट्री एंड सिस्टमैटिक एग्जिट. राइट ठीक है, मैंने कोई कैपिटल सोच के रखी हुई थी कि आई एम गोइंग टू ट्रेड विद 50,000. आई एम टेलिंग यू द नॉट द एक्यूरेट नंबर्स बट द आइडिया कि उस टाइम राइट पे राइट हुआ क्या. मैंने इसकी राइट यूट्यूब के राइट ऊपर वीडियो भी डाली हुई है. ठीक है, मैं ट्रेड करने लगा इंट्राडे बैठ के और करता रहा करता रहा. द रिजल्ट्स वर गोइंग वेरी गुड. ठीक है, ब्रिटानिया की ट्रेड लेने की बारी आई एंड आई थिंक ब्रिटानिया का जो शेयर था वो 3,000-3,500 का था उस टाइम पे. आई डोंट रिमेम्बर बट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी. ठीक है, हाँ और मुझे ट्रेड उसके करने थे 10 शेयर्स. ठीक है, मैंने एक्सीडेंटली उसके ऊपर पुटअप कर दिया 100 कुछ, नॉट 100, 1,000 कुछ. ठीक है, हाँ अकाउंट में मार्जिन पड़ा हुआ था, वो हाँ बाय भी हो गए. ठीक है, जस्ट बिकॉज मैंने बाय किया और आई इमिडिएटली रियलाइज कि मैंने मिस्टेक कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया हुआ वहां पे, मैंने उसको इमिडिएटली सेल भी कर दिया साथ के साथ. ठीक है, हाँ हाँ जस्ट हाँ बिड और ऑफर की गलती से मुझे वहां पे 90,000 का लॉस हो गया विद इन 5 बाप रे, मिनट्स.
और मैंने देखा है ऐसे, जब भी हमसे गलती होता है नुकसान ही होता है, मेरा कभी प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट नहीं हमेशा हुआ नुकसान ना। हुआ है। ऐसा गलती से प्रॉफिट कभी नहीं होता, कितने जन का हो जाता है मेरे दोस्तों का, मेरे को मेरा कभी लाइफ में नहीं होता। बट ये चीज था, तो वो टाइम पे भी इंसिडेंट पे जो मैं आपको बता रहा था, वो शेयर तो बाय हो गया और फिर शेयर प्राइस थोड़ा गिर गया। एक तो क्वांटिटी ज्यादा, अब लॉस बुक करने का, मतलब ज्यादा नहीं गिरा था पर 1% का भी लॉस हो तो मतलब होता है ना कि ये है। दिखता मैं है बोले देखो कल तो इलेक्शन से पहले वो लेना था और मतलब मेरे को लग रहा था 10% रैली कर, ठीक है ना, भगवान ने बोला कि शायद ज्यादा पैसे बनेंगे तो रख लेते हैं। फिर उसका भी सेटलमेंट किया, वो सब चीजें पैसे अरेंज करके और बट अगले दिन जो था हम लोग इलेक्शन रिजल्ट के लिए, डोनाल्ड ट्रम्प तो जीता, मतलब उल्टा, मतलब कि क्लिंटन हारी जो इलेक्शन का रिजल्ट का ऑपोजिट था, बट वो बड़ा था ही नहीं। अगले दिन मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, मार्केट जो बड़ा गैप डाउन खुला, माय गॉड जो था, एंड नवंबर जो की मतलब बात मैंने है। शेयर करे थे सीधा 10-10, 12-12% डाउन खुले जो था सीधा की सीधा। तो वो एक याद रहेगा, बड़ा मिस्टेक था। इवेंचुअली आई हेल्ड इट फॉर 5-6 months बट फिर मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट किया। ओके जो था बट इट वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक। एंड क्या होता है ना कि मार्केट कैन बी वोटर, मतलब आप लाइटली नहीं ले सकते कोई भी चीज को, एंड वो रिस्पेक्टिंग द स्टॉप लॉस वो सब जो था ना तभी पता चल गया था, वो तो इन्वेस्टमेंट था। बट बट क्या यू डिड नॉट मेक एनी बिग मिस्टेक्स ना, बिग लॉसेस तो ऐसा कोई नहीं ना हुआ कि यू केम टू अ सिचुएशन जहां पे अकाउंट वाइप आउट होने वाला हो गया। सो नहीं लॉसेस नहीं इज अ नहीं वो पार्ट ऑफ, लाइफ में कभी नहीं, लाइफ में कभी लॉसेस इज नहीं पार्ट, हुआ। राइट लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ गेम, वो तो होते रहते हैं। राइट राइट So, वो ये देखो कैसा पता है, राकेश झुनझुनवाला जी का एक इंटरव्यू मेरे को याद है, उसमें उन्होंने एक चीज बोला था कि यू हैव टू बी इन द गेम जो था, राइट, कुछ भी हो जाए ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट, वर्स्ट कर उतना ही नुकसान करो जितनी तुम्हारी औकात है, बेसिकली उन्होंने ये कहा था सिंपल टर्म्स पे, राइट। तो दैट आई ऑलवेज केप्ट इन माइंड जो था, और ट्रेडिंग जब मैंने स्टार्ट भी किया था ना, मतलब द होल आइडिया अबाउट ट्रेडिंग, स्टार्टिंग ट्रेडिंग वर्स कि ये देखो वो एक कोरोना की रैली में मेरा डिसेंट पोर्टफोलियो बन गया था, राइट, कोरोना के बाद की रैली में। वो टाइम पे भी आई टुक बोल्ड स्टेप्स, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज जो थे मैंने वाइजली यूज किए। सर्टन स्टॉक्स आई सोल्ड 30% डिस्काउंट जस्ट टू बाय समथिंग एट 70-80% डिस्काउंट, ठीक है। तो वो टाइम पे गट्स भी थे एंड ये भी थे, एंड पोर्टफोलियो वहां से क्रिएट हो गया। वो टाइम पे स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ऑप्शंस भी जो था, अभी उसके अंदर मेरे को बेस्ट पार्ट अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग्स जो लगा था, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग जो था, वो ये था कि आई डिड नॉट हैव टू पुट एनी एडिशनल कैपिटल अकाउंट के अंदर, मेरे ऑलरेडी होल्डिंग्स है उसको आई कैन प्लेज विद द ब्रोकर एंड आई कैन डू ऑप्शन ट्रेडिंग। पहले मेरे को लगता था ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कुछ लाइसेंस लेना पड़ता होगा, सेल करना है तो ऐसा थोड़ी कि जैसे बुक में कैसे दिखाते कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है, एंड पूरा लीगल अप्रैल, टर्म्स है। इस बारी नहीं अप्रैल फूल डे का मैसेज देखा था उसके अंदर, इस बारी समबडी स्टार्टेड अ मैसेज कि सेबी ने रिक्वायरमेंट दी हुई है कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या बकवास नहीं निकाल दी हुई है सेबी ने बाट की, एंड हाँ देन आई रियलाइज कि इट वॉज अप्रैल डे, अप्रैल फूल्स डे कोई बना रहा था। बट ओके कमिंग बैक टू, मैं आपके ये कोविड वाले इशू के ऊपर तो बाद में आता हूँ। हाँ डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे व्हाट वाज द एक्चुअल कैपिटल दैट यू वर ट्रेडिंग विद एट दैट टाइम? तभी तो बहुत कैपिटल कम होगा, मतलब मेरा फर्स्ट जॉब था और ये था, मेरा टोटल ट्रेडिंग कैपिटल जो था, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल, सो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, पर एनीवेयर शुड बी अराउंड 5 लाख मे बी वो टाइम पे, क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट जमा हुए थे, आई एम नॉट श्योर कि मैंने मास्टर्स जब के लिए जो पैसे जमा किए थे पापा ने 5-7 लाख रुपए की, वो इन्फ्यूज कर दिए थे कि नहीं, जो भी जॉब से जो मतलब मैंने कमाया था, राइट, फर्स्ट 2 जॉब्स में उससे जो सेविंग्स थी एंड ऑल, उसपे से भी जो 50% के आसपास तो म्यूचुअल फंड्स में थे एंड 50% के आसपास फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में थे। ये वाला जो था मैंने फैमिली अकाउंट में ले लिया था, जो मैंने आपको ओके स्टोरी तो बताई थी उसमें, वो मेरा पर्सनल नहीं था मिस्टेक, मतलब फैमिली अकाउंट में था। अगर आपको याद होगा ना, याद होगा तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप वाला पीरियड था ना, हाँ ये वो पीरियड था जहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हुई थी एक टाइम के ऊपर, बिकॉज हर तीसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप उठा के कोई ना कोई उल्टा सीधा ट्वीट कर देता होता था, हाँ। एंड मार्केट यूज टू गो इनटू अ गैप डाउन और अ गैप अप मोड। ठीक है, तो हाँ एक तरफ बिकॉज आई रिमेम्बर अ पीरियड, ठीक है, उस टाइम पे देर वर सम गाइज इन यूएस जिन्होंने एक एल्गोरिदम बना के रखा हुआ था थ्रू एन राइट एपीआई, दे यूज टू ट्रैक द अकाउंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और राइट जिस टाइम पे वो ट्वीट करता था कुछ भी उसके बेसिस पे उन्होंने ट्रेडिंग मॉडल्स बना के रखे हुए थे। एक्चुअली वाह इट इज ट्रू, ठीक है, बिकॉज जिस टाइम पे उसने चाइना के साथ अपना वो ट्रेड वार लगाया हुआ था कि मैं सेंक्शन लगाना राइट चाह रहा राइट हूँ, राइट ठीक है, दैट हाँ टाइम, हाँ ठीक है, डेली न्यूज फ्लो था।
डेली न्यूज फ्लो था उस टाइम पे, ठीक है। फिर उधर वो अपने होम फ्रंट के ऊपर कुछ कर रहा था, तो हर रात को सोते वक्त ना एक प्रॉब्लम होती थी। मैंने कहा यार ये बंदा रात को बैठ के ना कोई ट्वीट मारेगा, हैज करके चलो अपने आप को, ठीक है। हाँ 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 अब एक तरफ उसको हैज करना पड़ता था उस टाइम पे, ठीक है। दूसरी तरफ एक दिन मैंने पोजीशंस खोली हुई थी, ओपन रखी हुई थी, देवर हैज्ड, ठीक है। और सुबह उठे तो अगले दिन न्यूज आनी शुरू हो गई कि पठानकोट के अंदर अटैक हो गया, ठीक है। हाँ देर इज अ टेररिस्ट, उस दिन मार्केट गिरी, ठीक है। मैंने कहा चलो ये चीज भी अब निकल गई किसी तरीके से, तो बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, बच गए। 10-15 दिन के बाद फिर से क्या कहते हैं पोजीशंस रात को क्लोज करके सोए हैं। सुबह 4:30 बजे फोन बजना शुरू हो गया, न्यूज आनी शुरू हो गई कि उरी के अंदर जाके स्ट्राइक्स हुई है, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक। के जेट्स हाँ गए हाँ थे वहां पे जाके ये करके गए हुए हैं। एंड 3% गैप डाउन हुआ था कुछ, मुझे याद है उस दिन, और और रिकवर हुआ था। सुबह 5:30-6 बजे से पाकिस्तान ने वहां से बैठ के अपना प्रोपोगेंडा चलाना शुरू किया हुआ था कि हमारे यहाँ तो कौवे मरे हैं। एंड मतलब अब बिकॉज मेरा माइंड उस टाइम पे ये वर्क कर रहा था कि यार अगर तो पाकिस्तान बोल रहा है कि कौवे मरे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, इट इज एन एम्बेरसमेंट फॉर इंडियन गवर्नमेंट, हमारी मार्केट गिर जाएगी। एंड आई वॉज वेरी एंग्री, मैंने कहा ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, अगर कुछ करके आए कि नहीं करके आए। एंड देन हाँ उस दिन मैं सुबह 6 बजे उठ गया हुआ था न्यूज ट्रैक करने के लिए, ठीक है, बिकॉज पोजीशन ओपन थी। 8 बजे के करीब फिर हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने मैसेजेस देने शुरू किए कि हमने इतनी बिल्डिंग्स की हैं, इतनी बिल्डिंग्स की हैं। एंड आई वाज लाइक दिस इज गुड न्यूज, ठीक है, इट इज गोइंग टू बूस्ट द पब्लिक सेंटिमेंट कि हाँ हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। बट स्टिल इट ओपन 3% गैप डाउन, समहाउ मैनेज्ड इट, ठीक है। सो दैट वॉज द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट ट्रम्प एंड इंडियन फ्रंट की क्या हो रहा था उस टाइम पे। एनीवेज उसके बाद तो चलो फिर आई ये सब स्टिल सीक्वेंस में रिमेम्बर, इवेंट्स हुए थे। डिमोनेटाइजेशन से पहले ये हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर यस रेरा आ गया था। मतलब सीरीज से, मतलब इतने सारे चीजें गवर्नमेंट ने किया था। जीएसटी पे आई थिंक फिर इम्प्लीमेंट हुआ था, राइट? वही टाइमलाइंस के अराउंड जो था पीपल इवेंट। थिंक लाइक कि जो आज का ऑप्शंस का एनवायरनमेंट है दैट इज टफ, नहीं ऐसा नहीं है, टफ उस टाइम पे भी बहुत था। उस टाइम एग्जैक्टली के 100%। चैलेंज उस टाइम के चैलेंजेस कुछ और थे, आज के चैलेंजेस कुछ और है, राइट 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 बट राइट इट वाज टफ बैक देन आल्सो। आज के टाइम पे ऑप्शन प्रॉब्लम क्या हो ट्रेडिंग रही है, ट्रेडिंग हमेशा ही टफ थी, आई वुड से। मतलब लोग काफी चीजें आज बोलते के हैं टाइम कि पे अगर चैलेंज है ना कि 10 रुपए की ऑप्शन 200 रुपए पे चली जाती है, 300 रुपए पे चली जाती है, स्टॉप लॉस स्किप हो जाते हैं, उस टाइम पे प्रॉब्लम हाँ होती थी कि न्यूज इन्फ्लो ऐसा होता था कि पता नहीं चलता था कि अगले दिन क्या हो जाएगा। आई मीन डू यू रिमेम्बर कितनी बारी वी यूज टू स्लीप एट नाइट SGX को देखते हुए और डॉ जोन्स को देखते हुए, हाँ हाँ ठीक है। राइट 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 आई यूज टू मतलब सोने से पहले मैं कभी भी देख के जाता था कि व्हाट इज SGX डूइंग, एंड हाँ, नाउ सब इट कुछ हैज ठीक है, बीन, सबसे पहले वो देखते थे वापस। यस। मैंने एक अपना शेड्यूल बना के रखा हुआ था, आई यूज टू गो टू moneycontrol.com और वहां पे मैं देखता होता था 10 थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर फॉर दिस हाँ कमिंग हाँ कमिंग मार्केट ओपन सी। हाँ मंथ, ठीक है। और एंड आई वाज यू नो सो फ्यूरियस, मैंने कहा यार एक तो ना ये आरबीआई वालों को और कोई काम नहीं है, एक वेडनेसडे और थर्सडे से पहले कुछ ना कुछ रख लेते होते हैं, बंदा ट्रेड कैसे करे बैठ के। एक्सपायरी हाँ और एक्सपायरी दिन पे स्पेशल इवेंट्स रखते थे वो, बात पे तो थी। स्पेशल इवेंट्स रखते होते थे बैठ के, ठीक है। हाँ तो बट एनीवेज मतलब चैलेंजेस और तरह के थे, अब और तरीके क्या, उस टाइम पे और तरीके के थे। एंड देन यू नो 12,000 के ऊपर हम लोग घूम रहे थे एंड कोविड केम, एट दैट टाइम आई जस्ट कट ऑफ एवरीथिंग, फिर मैं बाहर निकल गया था उस मार्केट के अंदर। सो दैट वाज द वन गुड डिसीजन दैट आई टुक एट दैट टाइम। एनीवेज दैट इज द टाइम आई थिंक यू एंटर्ड इनटू द मार्केट्स ना इन कोविड। हाँ कोविड के बाद जो था एग्रेसिवली, सो वो टाइम पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भर भर के थे, राइट? तो वो टाइम पे सो सी बाय हार्ट आई ऑलवेज स्टे अ इन्वेस्टर जो था, राइट? ट्रेडिंग बाय पैशन भी हुआ एंड मतलब ठीक ठाक कर भी लेता हूँ करके जो था, राइट? और फिर मतलब आई स्टार्टेड एंड अपॉर्चुनिटीज वर एम्पल, राइट? सो बुल मार्केट राइड किया, देन देयर वाज अ टाइम वो रिकवरी जो थी ना इतनी फास्ट थी, वो बिलीव नहीं हो रहा था कि ये हो गया। मतलब जो था, राइट? आप हिस्टोरिकली कोई भी क्रैश देखो, इतना फास्ट कभी रिकवर नहीं हुआ। दिस वाज कोविड रिकवरी वाज द फास्टेस्ट, राइट? इन 2021 अराउंड जनवरी जो था वो टाइम पे मेरे को थोड़ा टेंशन होने लगा था, क्योंकि मार्केट्स ने कुछ आई थिंक न्यू ऑल टाइम हाई भी ऑलमोस्ट लगा दिए थे। एंड वो टाइम पे मुझे पोर्टफोलियो को हेज करना था, तो वो टाइम पे और मतलब कैसे मारवाड़ी बुद्धि की, अभी अगर मैं बेचूंगा तो टैक्स हायर लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में बेचूंगा तो टैक्स कम लगेगा। आई एम नॉट श्योर कि तभी
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स था कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आई थिंक वो बजट 22 में इंट्रोड्यूस हुआ था कि 21 में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैंने बोला कि टैक्स लगेगा करके, तो बेटर है कि मैं ऑप्शन से हेज कर लेता हूँ, 50,000 रुपए का प्रीमियम कर करके जाएगा, एंड मैं सर्टन हूँ अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर आई विल मेक अ डिसेंट अमाउंट. तो मैंने सब हेजिंग के बारे में सीखा, एट द मनी पुट बाय किया था मैंने इंडेक्स के अंदर, और मैंने बोला पोर्टफोलियो को हेज करता हूँ इस चीज से, राइट. एंड नेक्स्ट डे ऑप्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया, मार्केट थोड़ा गिरा था, मैं बोला देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ करके एंड ऑल, बट इवेंचुअली एस टाइम पास बाय, राइट, मार्केट तो गिरा नहीं, वहां से ऊपर रैली सस्टेन आ गई, एंड आई सॉ मतलब विद इन एक्सपायरी 95% ऑफ द ऑप्शन प्राइस एट डीके जो था, तो पर्पस इट सॉल्व, बट वो टाइप ऑफ क्यूरियस है यार इतना डीके क्यों फास्ट आया, और मतलब क्या चीज है, राइट. दैट टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ऑप्शंस की वो कैसे वर्क डिड करते हैं. तो उस टाइम पे आपको हाँ ये पता था कि डीके नाम की चीज भी होती है? नहीं पता था, मतलब कि वो पता था बट एस टाइम पास पर वो दिखता कैसे प्राइस में, राइट. अभी अभी किसी चीज को लगेगा हाँ कि मतलब अभी कल सपोज मैंने तो, 500 रुपए का प्रीमियम खरीदा, सो मेरे को हाँ लगेगा कि 490 होगा, 480, पर सपोज कल मार्केट गैप अप हो तो सीधा 300 आ जाएगा, वो नहीं सोचा था मतलब वैसा. मैं बताता हूँ। अभी मेरे पास ना कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनके अपने बिजनेसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी एक आदत ना, एक प्रिवेलेंट है, मोबाइल से दे डू ऑप्शन बाइंग राइट. एंड दे वॉन्टेड टू लर्न ऑप्शन बाइंग। तो ठीक है, वी वर कैजुअली टॉकिंग एंड दे आस्क मी अ क्वेश्चन। बोलते हमें तो ये भी नहीं पता कि हम लोग जब ऑप्शन बाय करते हैं वो धीरे धीरे जीरो क्यों चली जाती है। माय इट्स सच अ गॉड. बेसिक क्वेश्चन, इट्स अ जेन्यून क्वेश्चन, ठीक है, बट इट पोजेज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि जब आपको नहीं पता देन वाई आर यू डूइंग इट। एग्जैक्टली. एग्जैक्टली। सो आपको पहले तो सीखना पड़ेगा उस चीज को। मैंने फिर उसको 10 मिनट लगा के पहले कॉन्सेप्ट बताया कि इस तरीके से होता है, एंड देन ही वाज लाइक कि अच्छा, हमें तो पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट है, और मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो रही है, जैसे जैसे पास आता जा रहा है उसकी वैल्यू डिके कर रही है। सो आई थिंक राइट दैट राइट. एजुकेशन पार्ट इज वेरी लेस एज फार एज ऑप्शन इज कंसर्न। और कैसा जिसको होता भी है ना, ये देखो वोकेशन नॉलेज अलग होती है कि डी क्या आता है, मतलब मेरे को दिमाग में कैसा रहेगा. अभी जैसे बोलते हैं ना इन्वेस्टिंग में आपको पोर्टफोलियो ग्रो करता है 10, 12, 13%, 15% CAGR से, राइट. हमें लगता है हमारा मेंटल स्टिमुलेशन क्या होता है, ग्राफ ऐसा ऐसा सीधा जा रहा है, राइट, बट यस, एक्चुअल में जाता है ऐसा 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 करके, राइट. तो तो वो ऐसे भी चीज कोई जाता है बताता नीचे नहीं है. को। हाँ अभी जैसे ट्रेडिंग में भी आप MTM देखोगे, आज सुबह आपने स्टार्ट किया और सपोज क्लोज किया डे एंड 1% प्रॉफिट पे, बट बीच में शायद 1% नेगेटिव भी जाके आया होगा वो, या 0.5% नेगेटिव जाके आया होगा, राइट. वो जर्नी रहती है पूरे दिन की, और फिर बाद में लोग खाली एक रिजल्ट देखते हैं, राइट, मतलब एंड ऑफ द डे क्या हुआ करके, बट बीच का जो है स्विंग और मतलब आप पे क्या बीती होती है एज ट्रेडर, वो आप ही जानते हो जो होता है, राइट. सो दैट्स द पार्ट. ये जो साइकोलॉजी पार्ट है ना ट्रेडिंग के अंदर, दैट्स एक्चुअली वेरी बैड, ठीक है। इट डजंट मैटर कि आप एंड ऑफ द डे कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। जो बीच का पार्ट होता है ना, कि जब आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो और उससे पहले जो मार्क टू मार्क स्विंग है वो -3 लाख जा रहा है, -4 लाख जा रहा है, दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अभी एक ट्रेडर है ट्विटर के ऊपर, ही वॉज ऑल्सो शोइंग इट, ठीक है। ही इज अ वेरी गुड ट्रेडर, ठीक है, विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग। ही पुट्स हिज वेरीफाइड पीएनएल राइट. आउट, ठीक है। बट इवन ही सेड कि बोलता कि जब मैंने देखा कि अपना मार्क टू मार्क मेरा इतना नेगेटिव जा रहा है, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कुछ और ही था। हंड्रेड आई विल टेल परसेंट यू एन इंसिडेंट, मैंने ये इंसिडेंट कई बार बताया हुआ है, ठीक है। जब निर्मला सीतारमन कैंडल हुई थी, ठीक है, एंड ऑन दैट डे मैंने 10-10 रुपए की ऑप्शन सेल की हुई थी, और मतलब नॉट एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ निर्मला सीतारमन, दैट वॉज फ्राइडे, उसके बाद जो इमिजिएटली एक्सपायरी आई थी, 12-12 रुपए की ऑप्शन सेल की हुई थी, एंड इमिजिएटली एक स्पाइक बजी। दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द स्पाइक सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। उस दिन राइट. से स्टार्ट हुआ था। इनिशियली मेरा जो लॉस था इट वेंट फ्रॉम +50,000 टू -12 लाख इन 10 मिनट्स। माय गॉड. आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक, उस दिन मैंने बोला, मैंने कहा यार आज तो ना या करो है या मरो है, ठीक है। आज राइट. या तो एंड ऑफ द डे में आके, या तो, एंड आई वॉज ऑन लेवरेज दैट टाइम, ठीक है। 10 टाइम्स लेवरेज उस टाइम पे ब्रोकर्स आपको इजीली प्रोवाइड कर देते होते थे, ठीक है, आराम से राइट. आराम से। एंड आई वॉज लाइक कि आज तो कुछ नहीं। उस दिन मैंने बैठ के ना ताबड़तोड़ वहां पे स्ट्रैंगल सेल किए, स्ट्रैडल सेल किए, उल्टे तरीके से
सीधे तरीके से, जहां पे प्रॉफिट आया बुक करता गया, जहां पे उल्टा जाता रहा क्लोज करता रहा। बट करते करते यू वोंट बिलीव कि मेरा जो 2:30 बजे तक एम टू एम लॉस था इट वेंट टू 27 लाख। एंड पर मैं सिर्फ एक चीज के ऊपर नजर रख रहा था कि 27 लाख मेरा नेट मार्क टू मार्क नेगेटिव है, द प्रीमियम दैट आई हैव कलेक्टेड इज 50 लाख। इतनी सेलिंग मैंने की हुई थी उस टाइम पे। एंड यू नो 2:30 बजे तक आई वाज पैनिक, मैंने कहा या आज तो या मैं बिजनेस में हूँ एट द एंड ऑफ द डे, या मैं बिजनेस में नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा। एंड उस टाइम पे कई लोगों के मेरे पास होते थे कि ठीक है कि यार तू मेरी जगह पे यहाँ, वो टाइम पे ट्रेडर टिल्ट पे भी चला जाता है जो होता है ना यार, आज तो आ रही है पार टाइम्स ऐसे। मैंने कहा आज देखा जाएगा, आज कुछ नहीं होता, मैं देखा जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे उतने गट्स थे ठीक है, बिकॉज इट इज अबाउट सिचुएशन, यू आर डू और डाई, ठीक है। बट 2:30 बजे एंड फ्रॉम 27 लाख इट क्लाइम्ब डाउन टू 20 लाख, थोड़ा सा आया, फिर 27 लाख से इट केम डाउन टू 16, फिर इट केम डाउन टू 10 लाख। मैंने कहा यार अभी भी टाइम है, काट देता हूँ, ठीक है। बट मैंने कहा चल अब हैंग ऑन कर ही लेते हैं। एंड विद इन 10 मिनट्स इट केम डाउन टू 6 लाख, और मेरी थोड़ी सी ना जैसे कहते हैं ना हौसला बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। एंड 245 से 250 के पास पहुंचा, इट वॉज लाइक एट -2 लाख, एंड मेरे अंदर से आवाज आ रही है काट दे, जो मर्जी हो जाए। एंड फॉर अ ब्रीफ 2 मिनट विंडो मेरा M2M ना M2M 3.5 लाख पे पहुंचा, मैंने स्केयर ऑफ पॉजिटिव 3.5 लाख आया, मैंने स्केयर ऑफ मारा, मैंने बंद किया। एंड मेरे एक बड़े अच्छे फ्रेंड है, वो मेरे क्लाइंट थे उस टाइम, अब तो फ्रेंड बन गए हुए, ठीक है। उनका मुझे 3:30 बजे फोन आया, बोलते रोहित छोटे छोटे ना 4 हार्ट अटैक आए। एंड आई वाज सीरियसली लगा आपका स्टोरी ऐसा होगा कि वो एक मोमेंट के लिए ग्रीन टच किया, मैंने काटा नहीं वापस, फिर 10 नहीं मैंने काटा, मैंने कहा यार खत्म कर, मैंने कहा इससे ज्यादा बेटर नहीं हो सकता। सही बात है। एंड लिटरली जब उन्होंने मुझे फोन किया ना, पहले 2 मिनट वो हंसते रहे, 2 मिनट मैं हंसता रहा, वी डिडंट टॉक, एंड देन ही सेड छोटे छोटे 4 हार्ट अटैक आए हैं। तो एंड दैट डे वाज द लास्ट टाइम आई यूज्ड लेवरेज, ठीक है, राइट। और उसके बाद फिर दैट वाज द मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ ट्रेडिंग आई वॉन्ट टू डू, इट इज जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम डिजास्टर। So that is how I और leverage पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा trading जो मतलब burning मतलब fire के अंदर आप petrol डाल रहे हो, मतलब fire से खेल भी नहीं रहे, ऐसा हो जाता। उसके बाद फिर, और वो time था जब मैंने फिर leverage लेनी बंद की, and उस time पे फिर SEBI ने भी rule निकाल दिया थोड़े time के बाद कि हम लोग leverage को बंद कर रहे हैं, margins कम कर रहे हैं, but adapt करने का time मिल चुका था, right। So okay, so you started also 2021 के अंदर, you also started this thing. So how did it go for you? So मैं start किया था overnight options, और मैंने stock options से start किया था। बहुत कम जन को पता है कि मैं stock options से start किया था, but I used to do मतलब मैं covered put, वो सब मतलब कि see investor का mentality था, right? मैं option trading सीखना मैंने चालू किया था, मेरे को खाली साल का 6% additional return कमाना था, खाली 6%, मैं बोला 15% 12-15% investment। साल का कि month का? साल का मतलब मैंने स्टार्ट किया था इवेंचुअली सोच के कि 6% पे एडिशनल बनेगा, आई एम फाइन विद इट, कवर्ड कॉल हो, मतलब मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था पोर्टफोलियो के साथ नॉन कोरिलेटेड हो एंड कुछ भी एडिशनल इनकम आ रही हो, राइट। क्योंकि स्टॉक्स को अगर आपको मटेरियलाइज करना है तो यू हैव टू सेल द स्टॉक, राइट। मैं बोलूँ होल्डिंग बेचे भी ना कुछ भी एडिशनल कमा सकता हूँ कवर्ड कॉल्स या समथिंग के थ्रू। दैट टाइम आई स्टार्टेड एक्टिवली लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग, फिर कवर्ड पुट होता है, ये होता है, राइट। सो स्टॉक ऑप्शन के साथ मैं स्टार्टेड, और वहां पे वो टाइम पे लर्निंग में मेरे को एक चीज पता चली थी कि वीकेंड पे ना फ्राइडे को पोजिशन लेते हैं, वीकेंड का भी ठीठा डीके आता है, ठीक है, मतलब सैटरडे संडे, तो 3 दिन का ठीठा डीके एक दिन में मतलब आता है, कहीं पे तो पड़ा था। एंड मैंने काफी बड़ी पोजीशन जो थी ओवरनाइट में पुट सेल करके मैं गया था जो था ओवरनाइट, ठीक है। मंडे को हुआ 3% का गैप डाउन, ये आई थिंक अप्रैल 2021 की बात है, ये कंटिन्यूस जो था 3 मंडेस 3% का गैप डाउन होता, मतलब 4 जो मंडेस थे उसमें से 3 मंडेस में, और कैसा होता था मंडे को 3% गैप डाउन होता था, धीरे धीरे करके रिकवर होता था फ्राइडे तक, अभी लगा सब ओके, पोजीशन ओके है, फाइन है, अगले मंडे वापस 3% गैप डाउन,
और ऐसा कंटिन्यूअसली मेरे साथ 3 बार हुआ। वो प्रॉफिट मतलब मैंने प्रॉफिट में फिर पोजीशन क्लोज किया और मैनेज भी किया था कॉस वॉस बेच के, क्योंकि पोजीशन साइज वो सब फिर भी ठीक था। बट वो टाइम पे मैंने एमडीएम अपना स्विंग 3% ऑफ कैपिटल का देखा हुआ था, कि मतलब 3% आई वेंट डाउन, देन 2.5-3% आई वॉज डाउन एंड आई रिकवर्ड। तो वो मतलब मार्केट ने स्टार्टिंग से ही फटका मारा था मुझे कि भाई तुझे और सीखना है करके, ऐसा नहीं कि यू कैन बी मतलब जस्ट फ्री विल। एंड इन्वेस्टर और ट्रेडिंग की मेंटेलिटी कैसे अलग होनी चाहिए, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर आई एम फाइन विद एमटीएम स्विंग्स जो था, राइट, वो नेचुरली था। आई बट थिंक आपने जो एक पॉइंट मेरे को पहले भी समझाया था ना, जब हम लोग अपनी पर्सनल बात कर रहे थे, हाँ गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आदित्य है ना, आदित्य वाज एन इन्वेस्टर. तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्लेज करके उसके अगेंस्ट मार्जिन दे दिया. तो आई थिंक राइट योर मेंटेलिटी वाज कि उस मैं फ्री के पैसे से बेसिकली ट्रेड करके राइट एक्स्ट्रा 6% भी अगर कमा रहा हूं तो मेरे लिए राइट वो बहुत बड़ा मैटर करता है. एग्जैक्टली 100%। सो बट ये टेल देखिए, मी लोग वन थिंग ना. समझते नहीं है, कोई भी बिजनेस हाँ स्टार्ट करना होना है तो उनको उसके लिए कैपिटल डालना पड़ता है। अगर यस आप यस घर भी प्लेच करोगे बैंक के पास, यू हैव टू पे 8-9-10% इंटरेस्ट। मतलब आप गिरवी करते हो, बैंक से पैसे लेते हो। यहाँ पे सपोज आई हैव बिल्ड एन एसेट, उसको इफ आई एम प्लेजिंग, ब्रोकर ही मेरे को फ्री में मार्जिन दे रहा है। ब्रोकरेज यस वो सब यस ऑब्वियसली जाने वाले, बट दैट्स द कॉस्ट ऑफ बिजनेस ना। मतलब आप जब कर रहे हो तभी उसका वो सब वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। आप जो ट्रांजेक्शन करोगे उसके प्रोपोर्शन में ही रहेगा। नाउ आई आपको न्यू, हाँ बैंक से जाके लोन देने की जरूरत नहीं है, नहीं आपने है, नहीं अपने है, एसेट को डायरेक्टली प्लेज कर दिया विदाउट एनी इंटरेस्ट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो यस दैट वॉज अ ट्रिगरिंग पॉइंट, एंड होल आइडिया अबाउट कमिंग टू ट्रेडिंग एंड सीरियसली इसको लर्न करने का यही था कि इसको आई कैन यूज इट इन फर्दर। अभी एक ही चीज था, मेरे को दो ही दो तीन रूल्स पे खाली प्रोटेक्ट करना था। कैपिटल ज्यादा नहीं उड़ाना है कभी भी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, वो उड़ी हार्ड ना अर्न मनी है, पर उड़ी उस पर ना कुछ डेंट नहीं आना चाहिए। हाँ पर उड़ी तो आई ना वॉन्टेड टू, क्या पर कैपिटल तो उड़ी ना. उड़ी इन द सेंस, मतलब हाँ ड्रॉडाउन सा है। मतलब मेरा मैक्सिमम जो एक सबसे बड़ा लॉस था 5-10% का था, एक टेन परसेंट का इन्फोसिस ट्रेड पे था। बट वर यू हाँ मैरिड दिस टाइम? अभी नहीं, अभी भी मैरिड नहीं हूँ। भी मैरिड नहीं है? हाँ ओके आई डिडंट नो दैट. हाँ सो बट हाँ एक एक बात बताना मुझे, ठीक है? कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मैरिड है, ठीक है, एंड हाँ हमारी एक अलग साइकोलॉजी रहती है. पता है ना कि जिस टाइम पे लॉस होगा तो हाँ आई थिंक दिमाग खराब होता है उस टाइम पे, है ना? राइट 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 नाउ, वी आर लाफिंग अबाउट इट कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था, ठीक है? चाहे 3% हाँ का था, चाहे 5% का होता. व्हेन यू हाँ मेड योर हाँ फर्स्ट 3% लॉस, गैप डाउन हुआ था उस टाइम पे, साइकोलॉजी क्या थी फिर उस टाइम पे? वो टाइम पे ऑनेस्टली ये देखो, मतलब मैं कितना भी करूं, मेरे सारे ट्रेड्स हेज रहते थे। मतलब मेरे को मैक्स लॉस तो मेरा पता ही होता था। एक चीज मेरा वो स्टार्टिंग से था कि मतलब मेरे को पता हो कि ये चीज है, साइकोलॉजी था, और मैं ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड था। इतना मेरे को फर्क नहीं पड़ा यार ये क्या गलती कर दी, स्टूपिड था मैं ऐसा, मतलब बस दिमाग में आया। और फिर वो ट्रेड को मैनेज किया कि अब क्या कर सकते हैं, एडिशनल कॉल्स को रोल डाउन करो, ये करो, वो सब चीज है, राइट। दैट माइट नॉट बी द बेस्ट एडजस्टमेंट वो पर्टिकुलर टाइम पे, अगर आज की मैं नॉलेज को कंबाइन करूं, पर ठीक है, जो भी किया वो किया, राइट। मेरी साइकोलॉजी इम्पैक्ट नहीं हो। अभी एक चीज था कि यार बहुत कुछ सीखना बाकी है, मैं कुछ सीखा नहीं, मेरे दिमाग में यही आया, एंड आई वॉज स्टूपिड, कुछ और चीजें देखनी थी करके, राइट। पर हमेशा मैं रिस्क एपेटाइट के अंदर ही खोया हूँ कभी भी लाइफ के अंदर। वो एक जो मेरा 10% का भी लॉस था ना, वो 50 लाख के अकाउंट पे, वो टाइम पे भी मेरा कैपिटल 1 करोड़ था। तो एक्चुअली मेरा 5% का ड्रॉडाउन था कैपिटल टर्म्स में। मैं हमेशा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल टर्म्स पे सोचता हूँ कि मतलब मेरा एलोकेशन कहाँ पे। खाली ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में यू हैव टू सी एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नेटवर्थ कि आपका रिस्क कितना है, क्या है करके, कितना राइट, उस टर्म्स पे। तो वो था, बट कभी भी ऐसा कभी मेरा लॉस नहीं हुआ कि हाँ आई आई ऑलवेज न्यू, जब भी मेरा लॉस हुआ तो आई हैव कम बिहाइंड इन माय करियर बाय 2-3 मंथ्स, दैट्स इट। कोई भी लॉस ऐसा नहीं था कि मतलब मैं ऐसा करूं और कभी ऐसा हो कि यार ये मेरे को नहीं करना है, या तो ये बंद करना है, ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं है। खाली कभी कभी आई थिंक लुक, जैसे हम लोग वो कनेक्टिंग द डॉट्स की बात करते हैं ना, हाँ एवरीथिंग दैट वी डू इन लाइफ इज यू नो प्रिपेयरिंग अस सम फॉर समथिंग एल्स, ठीक है? सो आई थिंक राइट जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, द वे यू लर्न्ड द रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजिशन साइजिंग फ्रॉम द पोकर इटसेल्फ, आई थिंक दैट प्लेड अ राइट बिग पार्ट इन योर ट्रेडिंग करियर ऑल्सो. राइट वो बहुत नेचुरली आया मुझे, राइट, कि ये देखो सर्टेन थिंग्स यू टेक अ व्यू
एंड आज भी वी यू नो कि वी माइट बी रॉन्ग मेनी टाइम्स, राइट? 60%, 65% आई माइट बी राइट, 35%, 40% आई विल बी रॉन्ग, उतना तो होना ही है. एंड देट आर ग्रेट ऑड्स आई वुड से, मतलब ऑनेस्टली अगर कोई लॉन्ग टर्म कर सकता है, राइट? अभी उसके अंदर क्या होता है कि एक पार्ट आ जाता है इमोशंस, राइट? पोकर के अंदर भी सपोज यू नो यू हैव द बेस्ट हैंड, सपोज पॉकेट एसेज है आपके पास, विच इज कंसिडर टू बी बेस्ट हैंड, आपने रेस किया, सामने वाले ने कॉल किया, फ्लॉप पे आगे सपोज थ्री सूट्स हैं, आपके सूट सब टोटली उल्टे हैं, या तो बहुत ही ऐसे नंबर जो प्रोबेबिलिटी है कि सामने वाले का हिट हुआ होगा, राइट? तो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली. अभी थिंग इज कि प्री हैंड मतलब मेरा बेस्ट हैंड था, बट मार्केट ने जो प्ले किया अब उसके बाद शायद मतलब मेरा बेस्ट हैंड नहीं है. अभी 100 रुपए में से सपोज मैंने 10 रुपए लगा दिए वो हैंड के अंदर ऑलरेडी, अब 90 रुपीज तो स्टिल मेरे पास है ना, फ्यूचर में मेरे पास गेम आ सकती है, अब वो देखने की वो 90 रुपीज का बेस्ट यूज है क्या अभी वो हैंड में. वैसा वही सेम चीज ट्रेडिंग में आ जाती है, राइट? कि आपने एक ट्रेड कर दिया, गलती हो गई, अब वो ट्रेड को मैनेज करना बेटर पार्ट है या वो रिस्क के अंदर है, या तो ट्रेड को पूरा की पूरा कट कर देना, वही सेम पार्ट आ जाती है यहाँ पे. हाँ एक इन्फी वाला भी कुछ कांड हुआ था ना, वो ट्रेड मेरा काफी पॉपुलर है. वो दैट वाज मैंने अ टाइम भी मतलब देखा मैं था हेल्थ से उसको। थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था और फैमिली के भी थोड़े कमिटमेंट्स थे, तो वो टाइम पे मतलब मैं क्या हुआ था कि आई स्टार्टेड विद स्टॉक ऑप्शंस, देन मैं स्ट्रैंगल्स वो सब कर रहा था, तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड इंट्राडे आल्सो, फिर एक्सपायरी ट्रेडिंग, और वो एक टाइम था जहाँ पे मार्जिन रिडक्शन चालू हो गया था धीरे धीरे स्टेजेस के टर्म्स पे जो था, राइट? एंड मैं एक्टिव इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला वो डेट आई वॉज सर्टन की मतलब ये चीज करना है एंड कंटिन्यू करूंगा. वो टाइम पे तो रिटर्न भी बहुत अनइमेजिनेबल थे और बहुत अच्छे थे, और सस्टेनेबल नहीं थे, तभी लग रहा था कि सस्टेनेबल कितने रहेंगे. थे, बट 2016 ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, ट्वेंटी कितने ट्वेंटी रिटर्न्स? वन मतलब मेरा एवरेज मंथ पे मतलब 4 to 10% के रेंज में आ जाता, तो अभी भी आ जाता है काफी मंथ्स में, बट वो जो लग रहा था कि मतलब बोलते हैं ना होली ग्रेल है वैसा करके कि ये तो कर ही लूंगा. एंड मेरे ड्रॉडाउन बहुत कम होते थे तो वो टाइम पे, आजकल ड्रॉडाउन खाली बढ़ गए, रिटर्न्स आ रहे हैं बट ड्रॉडाउन बढ़ गए कंपेरेटिवली एमटीएम्स में आई थिंक 2 to 3% अगर अचीव करना हो दैट्स फेयरली इजी, बट जहां पे वो राइट 3% से 1% इंक्रीज करना हो, 2% इंक्रीज करना हो, दैट इज द टफ पार्ट। राइट सही बात है. और फिर वही चीज था, तो आई स्टार्टेड वहां पे और एक्सपायरी ट्रेडिंग वो सब मेरा चल रहा था. एंड अप्रैल 22 की बात है आई थिंक जो था अप्रैल 2022 की बात है, जहां पे मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इंट्राडे कर नहीं पा रहा था, राइट? और वो टाइम पे यही था कि अभी एक शेर के मुंह में खून लग गया, राइट? कि अभी उसको कुछ तो इनकम चाहिए. तो वो टाइम पे ऐसा था कि मार्जिन खाली पड़ा है, यानी इस अनयूज्ड इन्वेंटरी, अब कुछ तो करना है और मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं कर पा रहा, तो वो टाइम पे स्टॉक ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटी देख रहा था. वो टाइम पे भी आई यूज्ड हेजिंग एंड एवरीथिंग, राइट? बट आई हैड टेकन थोड़ा, मेरा पोजिशन साइजिंग गलत था और मार्केट ने वर्स्ट वे में पनिश भी किया मुझे जो था, राइट? मैक्स रिस्क के नीचे खुला सीधा जो था. सो इन्फोसिस का हैड टेकन बुलिश रेट, बैंक निफ्टी का हैड टेकन बुलिश रेट, एचडीएफसी बैंक का स्ट्रेडल था. एंड अगले दिन वो रिजल्ट सीजन था और आईवीस बहुत अच्छे थे, मैंने बोला दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई विल इंक्रीज माय पोजीशन साइज एंड ऑल, एंड मैं ओवरनाइट लेके गया पोजीशन जो था. और अगले दिन पता चल गया कि मतलब उसी दिन आई थिंक रिजल्ट बहुत खराब है और इन्फोसिस का वो एडीआर या जो ट्रेड होता है, राइट, एनएससी में 10% डाउन था मेरा, हो गया कांड जो था, 4% 5% पे नहीं मेरा मैक्स रिस्क था. पर हाँ इन्फोसिस का तो हमेशा से रहा है ना कि जब भी इसका रिजल्ट आता है तो ये गैप अप या गैप डाउन तो करता है कुछ ना कुछ। हाँ तो मेरा मेरा पता नहीं क्यों मेरा ये एनालिसिस था कि गैप अप होने वाला है, मार्केट ने वो चीजें प्राइस इन नहीं की है और हुआ एग्जैक्ट ऑपोजिट जो था. न्यूट्रल भी ओके पोजीशन होती मेरी स्ट्रैडल टाइप, तो मतलब मेरा काफी कम लॉस हुआ होता, बट इट वाज अ बिग ट्रेड, काफी बड़ी क्वांटिटी मेरे लिए, तभी बहुत बड़ी क्वांटिटी हुआ करती थी, ट्विटर वर्ल्ड के लिए बहुत छोटी क्वांटिटी होगी अभी भी, बट या वो टाइम पे काफी था. और एक दिन में मतलब मेरा 5 लाख के ऊपर लॉस हुआ था वो टाइम पे, तो दैट वाज वेरी बिग अमाउंट फॉर मी या वो जो इट्स था. और गुड 50 लाख के मतलब अकाउंट मार्जिन आई वॉज ट्रेडिंग, वो एक एक वो मेरा जो एक अकाउंट था, तो वो हुआ. बट तभी भी क्या हुआ, और वो वर्स्ट पार्ट नहीं था एक्चुअली, वर्स्ट पार्ट और एक ये था कि वो पोजीशन एग्जिट करने के लिए मेरे को करीबन 1 लाख की स्लिपेज लगी थी. खाली इन्फोसिस नहीं था, एचडीएफसी बैंक भी था और ये भी था, क्योंकि मेरा सोल स्ट्राइक और उसमें 60 पॉइंट्स का हेज था और 10% गैप डाउन था, मतलब लिटरली 150 पॉइंट इन द मनी ऑप्शन हो गए थे, राइट? जो था वैसा, एंड उसको एग्जिट एग्जिट करने के लिए करने में पांच कमाई नहीं होगी। पांच पांच रुपए का एक एक जगह ईच साइड, और
थिंग इज कि उसमें फिजिकल सेटलमेंट होता है राइट, मतलब अब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है, तो ऑप्शन नहीं था अपार्ट फ्रॉम एग्जिटिंग द पोजिशन जो था। अगर चलो आई थिंक हेज्ड पोजीशन के अंदर वो चीज नहीं लगती, अगर आपकी दोनों स्ट्राइक्स इन द मनी आ जाए ना, फिर वो राइट। मार्जिन का वो नहीं होता मेरे ख्याल से। अरे नहीं बट आपको मैं आई टेल यू द इंस्टेंसेस, ये काफी जन को पता नहीं है। सो पहले तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जनरली एज एक्सपायरी क्लोज आती है वो होती रहती है। दूसरा चीज अगर ये आपका जैसा सपोज जीरो था भी सेटल करता है राइट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने एक बार करके भी देखा था एचयूएल का, एक मेरा एचयूएल का पोजीशन था जस्ट 2 लॉट का था पोजीशन, उस पर जीरो था ने 7,000 रुपए की मेरे को ब्रोकरेज लग रही, 7,000 रुपए की ब्रोकरेज वो एक कॉन्ट्रैक्ट में वो सेटल करने में जो है, तो वो ब्रोकरेज उसकी बहुत अलग रखती है हाउ कंपेरेटिवली। दोनों इन द मनी थे, मतलब ऑब्वियसली जो बोलते हैं ना सपोज मेरा हेज था और वो मेन पोजीशन, सेटलमेंट की फीस अलग होती है ब्रोकर्स की जो है, और जीरो दाने मेरे को 7,000 रुपए लगाए गए थे तभी भी जो था। जस्ट मैं आपको एक एक्चुअल का ट्रेड बता रहा हूँ, ये काफी जन को पता नहीं है, वो सेटलमेंट फीस अलग होती है। आप सर्च भी कर सकते हो कि हाउ इट वर्क, जब सेटलमेंट होती है स्टॉक्स की कुछ 0.5% के आसपास लगती है और नोशनल पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे लगती है जो है, साइजेबल थी। तो वो चीज भी था। दूसरा चीज ना वो टाइम पे मेरा एस डेज पास पर पता नहीं मेरा मार्जिन बढ़ रहा था, थिंग इज कि मैंने बहुत कट टू कट मार्जिन रखा था, काफी मेजर पार्ट 80% अकाउंट का मार्जिन आई हैड यूज्ड राइट। तो जैसे डेज पास पे मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती रहती है, मतलब थोड़ी 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 करके, अगर आपने पोजिशन 5-10% यूज किया होता तो कोई दिक्कत नहीं था राइट। तो आई हैड नो ऑप्शन बट टू एग्जिट जो था, और ट्रेड भी रॉन्ग हो चुका था राइट खाली, बट उस पर स्लिपेज काफी लग गई थी एग्जिट करने पे 1 लाख के आसपास। मैं आपको एचयूएल का भी उसका ना मैं आपको एक बार ट्वीट ढूंढता हूँ, मैं भी शॉक था, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सेटल होने दिया, मैंने बोला यार वो स्प्रेड का मैक्स प्रॉफिट 7,000 नहीं था, मैक्स रिस्क 20,000 था, साथ और 7,000 की तो ये लग गई ब्रोकरेज में ब्रोकरेज में लग गया बैठ के। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट सेटल हुआ था क्योंकि जीएसटी 20% ही उतना 1,000-1,500 रुपए हो गया था जीएसटी जस्ट, दैट्स इट। मैंने बोला भाई ये क्या हो गया, तो दैट वाज द रीजन कि आई शिफ्टेड माय प्राइम फोकस टू इंडेक्स ट्रेडिंग जो था, क्योंकि सेटलमेंट वो सब का थोड़ा इश्यू ज्यादा रहता है स्टॉक ऑप्शंस में, स्टिल लिक्विडिटी ट्रेडिंग विद जीरो था। जीरो धा के अलावा भी मेरे मल्टीपल ब्रोकर्स है। जीरो धा के अंदर मतलब मेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट वो ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत अच्छा है, वहां पे आई ट्रेड बट आई डू मेनली मंथली ऑप्शंस, वहां पे काफी पैसिव ट्रेड होते हैं। सो आई हैव डिवाइड माय कैपिटल इनटू थ्री बकेट्स जो है, एक हार्डकोर इंट्राडे ट्रेडिंग जो मतलब मेरा जो मेरी स्पेशलिटी है मतलब जिस पे मेरा प्राइम फोकस रहता है, एक है मेरा जीरो का अकाउंट इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पे ट्रेड नहीं भी हुआ तो भी चलेगा एंड अपॉर्चुनिस्टिक होता हूँ, एंड वहां पे मोस्टली मंथली ऑप्शंस पे करता हूँ ट्रेड, या तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे, और वहां पे अभी फ्यूचर प्लान टू स्टार्ट डूइंग लॉन्ग टर्म फ्यूचर ट्रेड्स ऑल्सो, तो वो पार्ट है। एंड एक जो पार्ट है ये मेरा पूरा डिस्क्रिशनरी साइड हो गया, एक जो है पूरा एल्गो साइड पे हो गया, वो सब थोड़ा लेवरेज अकाउंट्स है और वैसे वे में वो वर्क होते हैं वहां पे, तो ऐसा करके आई हैव डिवाइडेड एंड वैसा मैं स्ट्रक्चर रख रहा हूँ वहां पे। तो अभी आप जो अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो वो किस तरीके से करते हो? फॉर द व्यूअर्स कैन वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अ बिट। हाँ सो मेनली मैं इंट्राडे में मोस्टली एक्सपायरी ट्रेडिंग ही करता हूँ, 1 DT वो सब नहीं करता, मतलब 1 D2 एक्सपायरी या वो ज्यादा कर नहीं करता हूँ, मेनली मेरा फोकस जो रहता है एक्सपायरी ट्रेडिंग पे ही रहता है राइट। सो मैं ऑलमोस्ट वीक के सारे एक्सपायरीज करता हूँ ऑलमोस्ट जो है, बट मेरा प्राइम फोकस हमेशा होता है निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे। अपार्ट फ्रॉम दिस ओके सेंसेक्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं मुझे एंड मिड कैप में भी आ रहे हैं, पर उनको थोड़ा अलग वे में करता हूँ क्योंकि उनके मूवमेंट्स बहुत फास्ट होते हैं राइट। फिर निफ्टी में आई ट्रेड थोड़ा एग्रेसिवली, मैं पहले पिछले साल मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड किया था, पर वहां पे मैं एग्रेसिव थोड़ा कम होता हूँ और अपॉर्चुनिस्टिक थोड़ा ज्यादा होता हूँ क्योंकि उसके अंदर मेरे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे पर्सनली, आई हैव सीन माई डेटा, तो उसके अंदर मैक्सिमम लॉसेस जो आए थे ना मतलब 60% के आसपास, मेरे को सबसे बड़े लॉसेस जो मतलब मेरे रहेंगे, मतलब मेरा कैसे एक दिन का रिस्क एपेटाइट 1.5-2% के ऊपर नहीं होता, 1.5% पे मैं मेंटली रखता हूँ, 2% पे सिस्टम काट देता है, वैसा मैंने रखा हुआ है सेटअप जो है कि इन केस समथिंग स्टार्ट मूविंग राइट। और जनरली मैं लो ड्रॉडाउन सिस्टम्स पे वर्क करने का ट्राई करता हूँ, तो 3-4% का ड्रॉडाउन के ऊपर आई डोंट ट्राई टू क्रॉस इट राइट, एंड आई टारगेट टू मेक 2-4% के रेंज में, आई एम वेरी हैप्पी इफ वो रिजल्ट्स आते हैं ऐसा On the करके। day of expiry, what exactly do you do on charts? सो चार्ट्स पे इफ यू वांट आई विल शेयर माय द स्क्रीन या शेयर ऑल्सो करो, हम एंड देखते हैं उसी को समझने की कोशिश करते हैं। ओके जैसे आई टेल यू, एंड अभी तो मार्केट भी लाइव है, आपको मैं क्या करता हूँ इनफैक्ट जो मेरा सेटअप लगा रहता है वही मैं दिखा देता हूँ, तो आप वो तो दिखाओ मेरे मैं को, मैं बेटर उसको यहाँ होगा। पे साथ में समझने की कोशिश करते हैं उसको एक बारी। ओके सो आई स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, लेट मी नो इफ इट्स विजिबल, जस्ट अ सेकंड। सो इफ यू सी ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, दैट्स इट, ये पूरा के पूरा मेरा ट्रेडिंग सेटअप है।
सो जो भी एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा रहूंगा, यू आर एबल टू सी द निफ्टी चार्ट राइट? या आई एम. सो एक तरफ पे आपने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, एक तरफ पे आपने 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है. हाँ एंड व्हाट आर दैट्स दीज इट राइट. लाइन? हाँ सो आपको मैं बहुत ब्रॉड सेंस में मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए मेरा चार्ट सेटअप जो भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहा रहूंगा वो मैं चार्ट सेटअप यहाँ पे मैं लगा दूंगा. जो भी इंडेक्स है, सपोज निफ्टी है, फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, जो भी इंडेक्स होगा, जैसा आज जो है निफ्टी एक्सपायरी है राइट. मैंने निफ्टी एक्सपायरी का चार्ट जो है उसके लिए मैंने निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है. उसके अंदर इफ यू सी, अगर आप जस्ट जाओगे, मैंने लेवल्स मार्क करके रख देता हूँ प्रीवियस डे का, जैसा क्लोज रहता है डे लो एंड डे हाई, इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये मतलब जो रेड जोन्स जो अच्छा होती है ना, जनरली रेड लाइन, ये जो लेवल होता है वो ऐसा होता है जो मतलब मेरे लिए लक्ष्मण रेखा होती है, उसके आगे का मतलब मैंने सोच के नहीं रखा होता जनरली अगर इसके बियॉन्ड मार्केट जा रहा है राइट. जैसे मतलब मेरा जो भी व्यू रहेगा जनरली इसके बीच में रहेगा. और आज का अगर आप देखोगे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, वीकली टाइम फ्रेम से आई स्टार्ट और फिर मैं अकॉर्डिंगली लेवल्स मार्क कर देता हूँ जो है, जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स रहे. आप देख रहे हैं यहाँ का, जैसे ये हाई है, इसका लो है यहाँ पे, एंड दैट है मार्केट. एंड जो है मैं सामने इंट्राडे लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मैं जाके 15 मिनट्स का चार्ट रखता हूँ कि मेरे को थोड़ा ब्रॉडर सेंस मिले डायरेक्शन का, और 5 मिनट्स का रखता हूँ जिसपे मैं ट्रेड करता हूँ. 15 मिनट्स चार्ट की तरफ मैं बहुत कम देखता हूँ, वो खाली क्या होता है कि फेक मूव्स कोई आया था ना 5 मिनट्स पे तो वो पता चल जाता है, दैट्स इट. और 5 मिनट्स पे आई ट्रेड, और साथ में मैं जो है 9 EMA 21 EMA लगा के रख देता हूँ. अभी आपको एक एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ. मैं मेनली स्ट्रैडर्स एंड स्ट्रैंगल करता हूँ, और पर उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा डायरेक्शन बायस लेता रहता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे अभी अगर सपोज मेरे को लग रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास खुल रहा है, सपोज अगर ये दिख रहा है जैसे यहाँ पे खुला, यहाँ पे सपोज खुला होता और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है राइट, तो मैं अपना स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल थोड़ा बेरिश रखता था यहाँ पे. और अभी एक जोन है जिसके अंदर ये दिख रहा है, अभी सपोज ये आज का डे का रेंज है, आज आप देख सकते हो कि आज का डे हाई है, ये आज का डे लो है. अगर गलती से भी यहाँ से अगर डे लो ब्रीच होता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, अपना स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल जो है उसको मैं थोड़ा बेरिश कर दूंगा राइट. और फिर मेरा ये होगा कि नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है यहाँ पे 22611 के आसपास आने वाला है, दैट्स इट. सो जो है उस वही मैं अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो है ये लेता हूँ. और यहाँ पे मैं 9 and 21 EMA एक लगा के रखता हूँ कि किसी मतलब मेरे को मेरा प्रॉब्लम पता है, इसको मैं एक्स्ट्रा एक्टिवली यूज नहीं करता हूँ, बट मैं एक इन्वेस्टर हूँ राइट. बाय दिमाग मेरा जो होता है ना वैल्यू इन्वेस्टर का, यहाँ पे मेरे को सर्टेन चीज थोड़ा सामने रखनी पड़ती कि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो मेरे को ब्लाइंडली दिखे करके राइट. इसके कभी भी अगर इसके नीचे आ रहा है तो आई नो कि देयर इज अ ट्रेंड चेंज, एंड मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बैट नहीं कर रहा कभी भी, क्योंकि कैसा मेरे को कॉन्ट्रा बैट्स लेने में बहुत मजा आता है ऑनेस्टली बाय नेचर. तो वो चीज मैं ट्रेडिंग में ना करूँ, मेरा रिस्क मैनेजर है उसके लिए रहता है, दैट्स इट. या आई थिंक सो बेसिक आइडिया इज कि आपने एक रेंज बना के रखी हुई है कि राइट एक दिन में स्टॉक इंडेक्स इतना ऊपर नीचे जा सकता है. ठीक है, राइट आपने राइट राइट इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं. उन राइट इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर आपने अपनी कैपिटल को डिवाइड करके रखा हुआ है राइट कि मुझे उसके अंदर एट अ टाइम इतनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, ग्रेजुअली मुझे उसको इंक्रीज करना है. और राइट एट एवरी टाइम यू आर जस्ट मैनेजिंग योर M2M राइट लॉस बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन दैट यू आर सेंसिंग इन द राइट मार्केट. सो मैं पोजीशन साइजिंग अपनी स्टार्ट करता हूँ, और 9:50 9:16 पे मेरी एंट्री हो जाती है. पहले 15 सेकंड के बाद आई स्टार्ट एंटरिंग द पोजीशन जो है, एंड पहले मैं प्रॉफिट क्वेश्चन बिल्ड करने का ट्राई करता हूँ. और प्रॉफिट क्वेश्चन आ जाता है फिर क्या होता है कि मैं रिस्क ऑफ हो जाता हूँ अगर प्रीमियम डीकेएस बहुत हो चुके हैं तो. और फिर अपॉर्चुनिटी वापस कोई स्पाइक आती है तो आई ट्राई टू री एंटर, एंड सुबह को मॉर्निंग प्रॉफिट के साथ में आई ट्राई टू यूज द एडिशनल रिस्क एपेटाइट और वहां पे मैं आई प्ले. मेरा होल आइडिया क्या है कि ये देखो एक्सपायरी ट्रेडिंग में भी नो कि एक्सपायरी में ऑप्शन 0 पे जाने वाले जो भी OTM रहने वाले हैं राइट. नाउ मार्केट का एक रेंज रहता है, वो रेंज को मैं बेस्ट यूटिलाइज कर पाऊँ और प्रीमियम बिहेवियर अंडरस्टैंड कर पाऊँ राइट. इसके साथ में आई यूज OI ऑल्सो, मतलब ओपन इंटरेस्ट कैसा चल रहा है, अदर पीपल के पोजिशंस कहाँ पे बिल्डअप हुई है उसके लिए मैं मेनली देखता हूँ. लोग क्या करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट पे पोजिशंस है तो वो देख के बोलते हैं यार ये तो क्रॉस होने ही नहीं वाला है करके, वैसा नहीं देखता हूँ मैं ये देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पे प्रिपेयर है. और मैं ये देखता हूँ कि सपोज मार्केट में मूव आएगा तो कौन से पॉइंट पे वहां पे पैनिक क्रिएट होगा, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव ऑलरेडी मतलब कैप माय स्टॉप लॉसेस और पोजीशंस इन दैट वे, तो रिस्क मैनेज्ड होता है वैसा मैं. दैट्स अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे ना. आप बेसिकली राइट थीटा डीके के लिए प्ले कर रहे हो, डायरेक्शनल स्लाइटली अपने आप को रख रहे हो, और आपने सिस्टम में एक कट ऑफ स्टॉप लॉस डाल के रखा हुआ है कि अगर ये आया तो मुझे बंद कर देना बाहर.
राइट 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 अगर मैं भी नहीं करता तो यू हैव गिवन इट टू द सिस्टम कि भाई मुझे बाहर निकाल दो उस चीज के अंदर से। एग्जैक्टली सो सिस्टम पे मैं एमटीएम स्टॉप लॉस रखता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना. सो आई यूज एन एप्लीकेशन ट्रेड फ्लो करके जो है, वहां पे सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे एक ऑप्शन है कि एमटीएम बेस्ड स्टॉप लॉस है, राइट. सो वहां पे मतलब सपोज मेरा 1 करोड़ का अकाउंट है, वहां पे मैंने 1.5 लाख का स्टॉप लॉस रख दिया, 1.5 लाख का टिक आया वहां पे, वो मेरी पोजिशन सारी काट देगा. जो है एक होता है कि मैं स्ट्राइक वाइज स्टॉप लॉस रखता हूँ मैन्युअली जो मैं रखता हूँ, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस एमटीएम बेस्ड स्टॉप लॉस होता है, वो मेरा हार्ड स्टॉप लॉस है, मतलब उस पर सिस्टम बन. पर ये जो स्पाइक्स वाला सिस्टम है उसका कभी एडवर्स इफेक्ट आया आपके अकाउंट के ऊपर? स्पाइक्स वाला इन द सेंस मान लो 1.5 लाख से एकदम से 3 लाख जंप कर गए हो जब तक आप निकल पाए। वो हुआ है इंस्टेंसेस, ऐसा नहीं नहीं हुआ है, ऑब्वियसली हुआ. मेरे को एक निफ्टी की एक्सपायरी रिसेंटली याद है जहां पे हुआ था. तो वो आइडिया ही मेरा ऐसा ही, देखो पहले तो थिंक है कि मोस्टली मेरे पोजीशंस हेज्ड होते हैं, स्पेशली जब क्वांटिटी साइज ज्यादा होगा तो मतलब मेरा वैल्यू एट रिस्क कैप्ड होगा. मोस्ट टाइम पे आई ट्राई टू कीप इट बिटवीन मतलब 5 to 10%, बट वर्स्ट केस सिनेरियो में वो 20% पे वैल्यू एट रिस्क जाता है, ठीक है, अकाउंट पे. दूसरा चीज, अभी स्पाइक आती है तो मेरी पोजीशन साइज, जो कभी भी मैं नेकेड रहूंगा स्ट्रेंगल्स में, राइट, तो मेरी पोजीशन साइज ऑटोमेटिकली कम होगी क्योंकि मार्जिन कम यूज है, राइट. अभी स्पाइक आती है तो आई अग्री कि स्लिपेजेस आएंगे, बट वो कभी भी आ सकते हैं, एल्गो ट्रेडिंग में भी आते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग में भी आते हैं. सो अभी 1.5 का की जाके मेरा शायद 2% पे कट होगा या 2.5% पे कट होगा वर्स्ट केस सिनेरियोस पे, राइट. तो वो तो चीज, वो मार्केट का रिस्क रहने ही वाला है, और वो चीज हुई भी है पास्ट में. कभी कभी मेरी पोजीशन साइज इतनी बड़ी थी कि वो कट्टे कट्टे टाइम लग जाता है, जो बोलते हैं ना 2 सेकंड लग जाते हैं उस पे. सो दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट, रिसेंटली फिन निफ्टी में हुआ था जब मेरा 1 लाख पे मैंने रखा हुआ था और मेरा 170 समथिंग पे वो क्लोज हुआ था, दैट्स वैसा जो ह्यूज, था. दैट्स ह्यूज, हाँ, दैट्स ह्यूज। 70,000 का, क्योंकि विद इन, और इनफैक्ट अगर मैं मिड कैप पे भी, ये टाइम पे मेरी पोजीशन नहीं थी रिसेंटली जो था उस पे भी अगर हुआ तो आई वुड हैव लॉस्ट साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी. जो था अभी जो रिसेंटली मिड कैप के अंदर भी बहुत फास्ट मूव आया था, राइट, जहाँ पे प्राइस वेंट वेरी आई हाई. डोंट नो, मैंने कोई दिसंबर जनवरी तक आई ट्रेडेड इनटू द वीकली ऑप्शंस, बट राइट स्लोली एंड स्टेडली आई रियलाइज दैट द मार्केट रिजीम इज चेंजिंग, सो मैं मंथलीज में शिफ्ट कर गया। सो जो मिड राइट कैप के अंदर हुआ मुझे तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। एट द एंड ऑफ द डे आई लुक्ड एट इट एंड 15-15 पैसे के ऑप्शंस 120 हो गए थे विद इन मतलब आई 3 मिनट्स, डोंट नो, आई डोंट ऐसा. नो। मैंने जब शाम को फिर ट्विटर के ऊपर देखा ना कि व्हाट हैज हैपेंड, देन आई वेंट बैक टू माय एल्गोरिथम्स एंड चेक, तो मेरे एल्गोरिथम सारे प्रॉफिट में थे, सो इट डिडंट हाँ बॉदर मी मच। ठीक है, तो बट बिकॉज मेरी पोजीशन सारी ऑप्शंस में थी और इनटू द मंथली ऑप्शंस, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उस चीज का। तो फर्क ही नहीं है वहां पे. अब एग्जैक्टली आप वही पॉइंट है ना कि वी शुड नो कि आपका कैपिटल एलोकेशन कैसा. अभी मेरा भी मिड कैप्स में है, ट्रेड है, पर मेरी एंट्री उस दिन काफी मैंने लेट की थी. इनफैक्ट सबका मैंने देखा क्या स्पाइक आया, मैं बोला चलो देखते हैं कि स्पाइक आया तो आई यूज इट एज अपॉर्चुनिटी, एंड आई एंटर्ड 135 पे. थोड़ा लेट हो गया कूल ऑफ में, बट स्टिल आई गॉट अ साइजेबल अमाउंट ऑफ कूल ऑफ विद इन जस्ट हाफ एन आवर जो था, राइट, वैसा चीज. सो आई हैड बिल्ट ऑलरेडी माई मंथली क्वेश्चन, जैसे आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट, ये मंथ के लिए ऑलरेडी मेरा 4.5% प्रॉफिट बन चुका हुआ है ऑलरेडी. तो बोला आराम से, मतलब चिल, मतलब कि ऐसा नहीं है पैनिक है, सेम प्रीमियम थिंग। इतना नहीं है. हाँ मतलब इवन आई हैव बिल्ट माय पोजीशन ऑन मंथली ऑप्शंस। ठीक है, सारा का राइट सारा एक बारी बीच में कभी ग्लिम्प्स ले लिया एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती वहां पे। इट इज दिस राइट वीकली एक्सपायरी जहां पे शो हैज बिकम क्रेजी नाउ एक्चुअली। राइट तो सो थिंग इज कि एनीवेज हुआ क्या है कि एल्गोरिदम्स इतने सारे आ गए, राइट. डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो अगर स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, एल्गोस तो लेने वाले हैं, आप समझ रहे हो, और फिर वो बड़े स्पाइक में फंस जाते हैं, मतलब आप समझ रहे हो. तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि 1 रुपए का ऑप्शन जो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए होता है, वो उस वजह से होता है कि एक साथ में सब जन एग्जिट कर रहे हैं, राइट. और वो जनरली अगर आपने स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं रखा या तो आपने वो एग्जिट नहीं किया, तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक्सपायरी ट्रेडिंग आप मत करो. एक्चुअली एक्चुअली अपने थोड़े से ट्रेडर्स की भी एक एडिक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है ना। मेरी हाँ बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, लुक आई जस्ट ट्राई टू कीप इम्प्रूविंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, मैं जिस टाइम पे 2019-20 के अंदर भी बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा था, मैं एक क्वेश्चन अपने आप को जरूर पूछता था, बिकॉज उस टाइम पे प्रॉफिट्स बड़े अच्छे होते थे। ठीक है, राइट एंड धीरे धीरे 23 के एंड में आके इट स्टार्टेड गेटिंग डिफिकल्ट। ठीक है, एंड 2020 से आई यूज टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन कि क्या होगा अगर कल को वीकली ऑप्शंस बंद हो जाए, व्हाट विल यू डू। ठीक है, नाउ ये जरूर हो गया कि वीकली ऑप्शंस बंद नहीं हुई, बट मैंने जरूर ट्रेड करनी बंद कर दी, तो वो एक बैकअप प्लान हमेशा चला होता था।
अब ये क्वेश्चन आई कीप आस्किंग माइसेल्फ कि अगर कल को मंथली ऑप्शंस बंद होगी, दे आर नॉट गोइंग टू क्लोज, बट अगर होगी फिर क्या करना है? वो हमेशा दिमाग में होना चाहिए और हमेशा हम लोग को एज ट्रेडर स्किल सेट डेवलप करके रखने चाहिए, राइट। सो ये देखो, मैं जनरली सब जन फुल टाइम ट्रेडिंग में आते हैं, राइट। सो आई ऑल्सो रिसेंटली वेंट, मतलब कैसे मेरे प्रायर मेजर सोर्स ऑफ इनकम वॉज ट्रेडिंग, राइट। बट अगर आप एज फुल टाइम ट्रेडर भी जा रहे हो, आपके पास पहले तो अदर स्किल सेट्स भी होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग ऑल्सो, एंड ट्रेडिंग के अंदर भी मल्टीपल स्किल सेट होने चाहिए, मैं बोलूंगा, राइट। लोग क्या करते कि यार बॉस बहुत बोलता है, या यार मतलब मेरे को मजा नहीं आ रहा है जॉब पे, उसके लिए मेरे को ट्रेडिंग करनी है, और वैसा दैट्स अ रॉन्ग माइंडसेट। आप जॉब पे सक्सेसफुल हो एंड आप ट्रेडिंग भी अच्छी कर रहे हो, तब जाके आपको मे बी कंसिडर भी करना चाहिए कि वो होता है। तो मैक्सिमम वो लोग रॉन्ग छोड़ देते माइंडसेट हैं से आप मतलब आओगे तो नहीं होता। हाँ, यस और अभी बट भी सपोज आई गोइंग एम डूइंग राइट, सो मेरा मंथली ट्रेड्स पे चालू है, जहां पे मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहा है, वहां पे थोड़े रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन। वहां पे एक चीज हो रहा है, एल्गो साइड पे है डेलीगेटेड, एंड अगर हुआ तो फ्यूचर में आई मेट क्विट डिस्क्रिशनरी इंट्राडे ट्रेडिंग ऑल्सो, राइट। और मैं देख रहा हूँ, ऑप्शन देख रहा हूँ, कैश के अंदर बहुत अच्छा काम हो सकता है, राइट। दूसरा चीज, फ्यूचर्स के अंदर आई कैन डू माई वर्क, अगर मेरे को लग रहा है कि टाइम एंड एफर्ट का वर्थ वाइल नहीं है, एंड स्केलेबिलिटी के इश्यूज आते हैं, एग्जिट के आते हैं, राइट। तो इट्स गुड ना, मतलब आई एम ऑलवेज अहेड कि ये चीज तो करनी है, और कुछ नहीं तो इन्वेस्टिंग चल रहा है, मतलब हमेशा। हाँ जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पूछने वाला था कि व्हाट इज योर प्लान फॉर द फ्यूचर, ठीक है, लाइक अभी शादी राइट होनी है, सब कुछ होना है, राइट तो राइट हाउ आर यू प्लानिंग योर ट्रेडिंग विद दैट? मतलब हैव यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ गर्ल? हाँ रिसेंटली स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, क्वेश्चन एंड या सो आई मेट ऑल्सो कपल ऑफ पीपल, एंड मतलब ये सब चीजें चालू है, एंड फैमिली इज ऑल्सो, बिकॉज आई टर्न 30 अभी रिसेंटली, एंड जैसे बट जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ट्विटर पे बहुत लोग मुझसे पूछ भी रहे थे राइट, कि अगर प्राइमरी बिजनेस ट्रेडिंग है तो लोग मान जाते हैं क्या? सो मैं बताता नहीं हूँ कि प्राइमरी ट्रेडिंग बिजनेस है, और एक्चुअली जब व्हाट मैं रिश्ता भी ढूंढता हूँ तो मैं अपना इनकम काफी कंपैरेटिवली कम बताता हूँ, जो है कि क्योंकि सी सर्टेन गारंटेड इनकम जो है मेरे प्रोफेशन की है, ठीक है, जो है, एंड आई नो कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आ रही है, राइट। तो उसका स्मॉलर पोर्शन ओनली आई इंक्लूड, राइट, क्योंकि इट्स ऑल्सो रॉन्ग कि यू ऑल्सो डोंट नो कि ये काइंड ऑफ इनकम सस्टेनेबल है, राइट। और सामने वाली पर्सन की एक्सपेक्टेशन कम होगी, राइट, एंड ज्यादा मिलेगा किसी को प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी कम मिलेगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो पहले से सेट करके रखता हूँ लेवल जो है, एंड सी आई डोंट वांट फाइनेंसेस टू बी प्राइम थिंग इन माय रिलेशनशिप इन फ्यूचर, ठीक है। एक ऑब्वियसली सबको आता है। माय क्वेश्चन इज नॉट हाँ फ्रॉम द फाइनेंस पर्सपेक्टिव, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ट्रेडर्स को क्या कहते हैं, मतलब कि कोई इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं कर लेता, दैट वाज द क्वेश्चन। बिकॉज़ जल्दी से नहीं करेगा अभी बिकॉज़ भी आज के टाइम पे। बिकॉज़ मैंने हाँ राहुल प्रजापति के साथ अपना लास्ट सेशन किया था एंड वी हाँ टॉक फ्रीली, और वो बोलता बोलता यार जब मैं किसी को बताता होता था ना कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो बोलता वो तो रिश्ता लेके भाग ही जाते थे वहां से। नहीं, वो तो आज भी रियलिटी है, और सी कैसा होता है, लड़की के पेरेंट्स भी रहेंगे और सबके सब जो जन होंगे वो हर्षद मेहता, उन्होंने देखा होगा और ये देखा होगा, सबने अपने हाथ जलाए होते हैं, राइट। एंड मैं रिसेंटली भी एक पर्सन से कर, तो उन्होंने 2008 में अपने ब्रोकर की वजह से फ्यूचर और ऑप्शन में बहुत गवाया था, एंड ऐसा लिटरली इतना गवाया था कि दे टुक साइजेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू कम आउट ऑफ इट, राइट। तो ये देखो कैसा है कि हर एक का परसेप्शन होता है, ट्रेडिंग के अलावा भी आपके स्किल सेट्स होते हैं, और वो होता है तो आसान हो जाएगा, खाली आप ट्रेडिंग बोलोगे तो अभी भी डिफिकल्ट है, आप कितना भी अच्छा कर लो जो है, राइट। घर पे भी थोड़ी कम ही इज्जत मिलती है। आई होप दिस वीडियो डज नॉट रीच देम, ठीक है, बिफोर यू गेट मैरिड, ठीक नहीं है। चलो एनीवे, चलेगा, ठीक है। हाँ आई थिंक इट वाज यू नो ग्रेट हैविंग यू विद अस, ठीक है, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, वी गॉट अ ग्लिम्स इनटू योर लाइफ, वी गॉट अ राइट, ग्लिम्स इनटू हाउ यू इन्वेस्टेड, हाउ यू ट्रेडेड। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द शो, ठीक है, and we will see what kind of reaction we get from the trading community, but this marriage part, this is going to be my favorite for coming few days. नहीं सो ये देखो इम्पोर्टेंट चीज है। it हाँ is going to go into the highlights, ठीक है, don't worry about that. नहीं, बट आई टेल यू कि मैरिज के टर्म्स पे व्हेन आई एम थिंकिंग आल्सो, राइट, अभी मैं सोच भी रहा हूँ तो मेरा दिमाग साथ में चलता है रिस्क मैनेजमेंट पर अगेन, मतलब यार मैंने फैमिली के लिए क्या क्या किया, मेडिकल इंश्योरेंस शुड बी इन प्लेस, टर्म इंश्योरेंस शुड बी इन प्लेस, एवरीथिंग शुड बी देयर, दूसरा इमरजेंसी फंड साइजेबल होना चाहिए। अभी अगर मैं ट्रेडिंग में करने वाला हूँ तो रिस्क इतना मैनेज होना चाहिए कि मतलब आई हैव डाइवर्सिफाइड वेल इनफ, कि होता है ना वो दिमाग होना चाहिए, बिकॉज ये देखो लड़की वाला सोचे ना सोचे मेरे को जो होता है ना वो दिमाग में चल रहा होगा यार अपने।
कैसे चलेगा? आई थिंक एज अ ट्रेडर हमारी ना एक प्रोपेंसिटी बन जाती है कि हम लोग जो भी काम करते हैं हमारा रिस्क की तरफ दिमाग पहले जाता है. राइट 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 आई थिंक सो आई डोंट नो. या चलो एनीवेज आदित्य आई थिंक इट वाज ग्रेट टॉकिंग विद यू. ठीक है सेम ईयर रोहित. इन फ्यूचर ऑल्सो वी विल कोलैबोरेट ऑन मेनी मोर थिंग्स. ठीक है श्योर श्योर श्योर. राइट नाउ जस्ट थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन. Thank you, Rohit Pai. Thank you so much, everyone, for listening to us. Okay? Yeah. Bye.